गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आइदर और बोथ ऑफ देम शुड बी नॉन रेजिडेंट. अगर बोथ ऑफ देम आर नॉन रेजिडेंट, वन ऑफ देम्स इनकम शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. 90 बताइए. दोबारा बोलिए, नॉट एबल टू गेट यू. एक मिनट लिखता हूँ मैं. यूनिलीवर यूके हिंदुस्तान लिवर को लोन दिया इसने, इंटरेस्ट पे करी 24 करोड़, और एएलपी है इंटरेस्ट का 12 करोड़. हिंदुस्तान लिवर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24 करोड़ डेबिट है, बट आमनेन प्राइस से ज्यादा इंटरेस्ट दिया गया है. लेट से आमनेन प्राइस 11 करोड़. सो हिंदुस्तान लिवर की इनकम में 13 करोड़ ऐड कर दिया जाएगा. अब इनकी बात सुनिए, इनकी बात सुनिए, यहीं से शुरू करें क्लास, यहीं से क्लास शुरू करते हैं. नाउ व्हाट जस्टन सेज इज, लेट मी पुट अ नीट स्लाइड, कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यूनिलीवर को लेट से 100 करोड़ की रॉयल्टी पे की. ठीक, एओ कहता है जी इसका आर्म लेंथ प्राइस है रॉयल्टी का 40 लाख. ठीक है, आप टीपी के प्रोविजन लगाते हुए एओ हिंदुस्तान लिवर के केस में 60 लाख ऐड कर देगा. क्लियर है, इस पर पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम लग जाएंगी जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यहां तक क्लियर है, करोड़ जो भी है, चलिए करोड़ कर, लेट्स लैक्स. अब जश्न का डाउट यह आ रहा है कि इधर यूनिलीवर ने रिटर्न फाइल की होगी अपनी, उसमें रॉयल्टी दिखाई होगी 100, उस पर टैक्स है 10 और टीडीएस पे 10 कटा होगा. ठीक, आप ये कहते हैं कि यूनिलीवर बोलेगा कि मेरी भी इनकम चेंज करिए, आप मेरी इनकम भी 40 करिए और उस पर टैक्स बना 4, 10 काटा है, 6 वापस करिए, यही कह रहे आप. एंड लॉ मेकर्स को मालूम था कि जश्न जैसे लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं जो टैक्स प्लानिंग करते हैं. आप तो यही कहेंगे, अगर यूनिवर्सिटी के टैक्स मैनेजर हैं आप तो यही बोलेंगे ना, जब यहां पर आपने अलाउ 40 की है तो मेरी इनकम में 40 टैक्स करिए. दिस व्हाट यू आर सेइंग.
एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स ने कहा कि हमें मालूम है ऐसा होगा। पेज 194 पर आइएगा। सबसेक्शन 4 देख रहे हैं आप, इससे पहले लॉ में लिखा हुआ है कि एओ आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा हिंदुस्तान लेवर की के लिए, और हिंदुस्तान लेवर के केस में 60 लाख डिसलाउ कर देगा। वेयर आर्म लेंथ प्राइस इज डिटरमिंड बाय द एओ अंडर सबसेक्शन 3, द एओ मे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमिंड। अब आप कहेंगे यहां मे क्यों लिखा हुआ है, एओ शैल होना चाहिए था। बट सपोज एएलपी निकलती 110, उस केस में टीपी लगाने से इनकम गिर जाएगी, तो उस केस में एओ रिकंप्यूट नहीं करेगा, तो इसलिए यहां मे लिखा हुआ है। ठीक। सो वेयर आर्म लेंथ प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द एओ अंडर सबसेक्शन 3, द एओ मे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमिन्ड। इसका प्रोवाइडेड फर्दर पढ़िए सेकेंड प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर वे द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएट एंटरप्राइज हिंदुस्तान लेवर इज कंप्यूटेड अंडर दिस सबसेक्शन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस पेड टू रॉयल्टी ऑफ 100 crore पेड टू Another associate enterprise, Unilever, from which tax has been deducted or was deductible under Chapter 17B, the income of the other associate enterprise, Unilever, shall not be recomputed by the reason of such determination of arm length price in case of फर्स्ट मेंशन पर्सन हिंदुस्तान लिवर। यू गॉट द आंसर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान लिवर के केस में तो 60 लाख डिसलाउ कर देंगे, बट आप यूनिलिवर ये प्ली नहीं ले सकता कि मेरी इनकम कंप्यूट रिकंप्यूट करिए, बिकॉज ही कैनॉट से कि मेरी इनकम भी आप 40 के हिसाब से निकालिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सप्लेन करती है हम ये प्रोविजन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन रियलिटी यूनिलेवर ने 40 लाख नहीं कमाया, यूनिलेवर को कितना पैसा मिला है 100 lakh, एंड देयरफॉर यूनिलेवर शुड बी असेस्ड 100 लाख ओनली। देख लेंगे पेनल्टी का, देख लेंगे क्या है, पेनल्टी छोड़ दीजिए अभी, आज की क्लास में पहले टीपी समझ लेते हैं, पेनल्टी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे आप क्या कह रही हैं, यूनिल एचयूएल पे पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए? बट इसने ज्यादा पे किया है ना, इसने यूनिलेवर के दबाव में आकर ज्यादा पे कर दिया, मेरी कंट्री को लॉस करा दिया। देखिए टीपी का फिर मतलब क्या हुआ, टीपी में हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं देखेंगे, हम तो एएलपी देखेंगे। अब फॉरनर आपको दबाता है ब्लैकमेल करके, ज्यादा पैसे निकाल के ले गया, तो हम आपके केस में 60 लाख डिसलाउ कर देंगे ताकि आप आगे से अपने एसोसिएट को बोल सके कि मेरी कंट्री में भी लॉ आ गया है, मुझे 60 लाख डिसलाउ हो जाता है, पेनल्टी भी लग जाती है, तो मुझसे ये काम मत करवाइए आप। ठीक, एक पॉइंट ये। अच्छा आप इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज US एसोसिएट एंटरप्राइज को गुड सेल कर रही है, सेल प्राइस है 100 crore, और मान लीजिए 10AA अंडरटेकिंग है, इसका पीजीबीपी आता है लेट्स से 20 crore, और 10AA में पूरा 20 crore एग्जेम्प्ट है। अब एओ इस ट्रांजैक्शन की एएलपी निकालता है 130 crore, आप क्या होगा, पीजीबीपी 30 crore से बढ़ जाएगा,
तो क्या 10AA डिडक्शन भी बढ़ जाएगा आपका? नहीं। अगर आपको याद हो, हमने एक सर्कुलर किया था 10AA में, चैप्टर 6A में, कि अगर डिसअलाउंसेस होती हैं और पीजीपी भी इनकम बढ़ जाती है तो ATIA सीरीज 10AA सब डिडक्शंस बढ़ जाएंगे। बट यहां नहीं बढ़ने देंगे हम। यहां लॉ कहता है कि सिंस आपने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, तो जस्ट बिकॉज हमने आपका ALP से इनकम बढ़ाई, तो चैप्टर 6 से डिडक्शंस, 10AA डिडक्शंस नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब आप सबसेक्शन 4 पूरा पढ़ लीजिए। सबसेक्शन 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, पेज 194। वेयर आर्म लेंथ प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द AO अंडर सबसेक्शन 3, पेज 194। वेयर आर्म लेंथ प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द AO अंडर सबसेक्शन 3, द AO मे कंप्यूट। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद बच्चों की क्वेरीज आती हैं, यहां मे क्यों लिखा है, यहां शेल क्यों नहीं लिखा हुआ? बताइए, शेल क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर ALP लगाने से इनकम रिड्यूस हो रही है तो AO रिकम्प्यूट नहीं करेगा ये, तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तभी करेगा। AO मे रिकम्प्यूट, मे कंप्यूट द टोटलिंग ऑफ द सेसी हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमाइंड, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय विच टोटल इनकम ऑफ द असेस इज इंक्रीज एनहेंस्ड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द सबसेक्शन। सो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए एंड 10AA इंक्रीज नहीं की जाएंगी आपकी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसोसिएट एंटरप्राइज हिंदुस्तान लिवर इज कंप्यूटेड अंडर दिस सबसेक्शन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस पे टू अनदर एसोसिएट एंटरप्राइज यूनिलिवर फ्रॉम विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और वॉज डिडक्टेबल अंडर चैप्टर 17 बी, 10 करोड़ हमने टैक्स काटा था। द इनकम ऑफ द अदर एसोसिएट एंटरप्राइज यूनिलिवर शैल नॉट बी रिकम्प्यूटेड बाय द रीजन ऑफ सच डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइज इन केस ऑफ द फर्स्ट मैंशन पर्सन। गवर्नमेंट रीजन बताती है, फर्स्ट प्रोविजन 2 92C4 रिकॉग्नाइजेज द कमर्शियल रियलिटी डेट इवन इफ ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट इज मेड द अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय द एडजस्टमेंट वुड नॉट एक्चुअली हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया और वुड नॉट हैव एक्चुअली गॉन आउट ऑफ द कंट्री, देयरफॉर इट हैज बीन प्रोवाइडेड एट नो डिडक्शंस अंडर 10AA और चैप्टर 6 ए शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। द सेकेंड प्रोविजन टू 92C4 रेफर्स टू अ केस वेयर अमाउंट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन रेमिटेड अब्रॉड आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एंड सब्सिक्वेंटली इन द असेसमेंट ऑफ द रेजिडेंट टैक्स पेयर हिंदुस्तान लिवर एन एडजस्टमेंट इज मेड टू द ट्रांसफर प्राइस इन्वॉल्व देयर बाय द एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंटेड बाय द अमाउंट सो रेमिटेड इज पार्टली डिसअलाउड 60 करोड़ वाज डिसअलाउड इन सच केसेस द नॉन रेजिडेंट कुड क्लेम, जैसे हमारे जस्टिन क्लेम कर रहे थे दैट रिफंड ऑफ पार्ट ऑफ द TDS ऑन द ग्राउंड एट आर्म लेंथ प्राइस हैज बीन अडॉप्टेड बाय द AO इन केस ऑफ हिंदुस्तान लिवर एंड द सेम प्राइस शुड बी अडॉप्टेड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ यूनिलिवर नॉन रेजिडेंट। हाउएवर द अडॉप्शन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन सच केसेस वुड नॉट ऑल्टर द कमर्शियल रियलिटी डेट एंटायर अमाउंट क्लेम्ड अर्लियर वुड हैव बीन एक्चुअली बीन रिसीव बाय द एंटिटी लोकेटेड अब्रॉड। It has therefore been made clear in the second provision that income of the associate enterprise shall not be recomputed merely by the reason of an adjustment made in the case of the other associate enterprise on determination of arm length price by the AO. For example, Unilever 27% equity hold करता है हिंदुस्तान लिवर की, Unilever know-how provide करता है, हिंदुस्तान लिवर royalty pay करता है 100 lakh की Unilever को, DTA के हिसाब से tax rate है 10%, हिंद लिवर 10 lakh का TDS deduct करता है और 90 लाख यूनिट लेवर क्रेमिट कर देता है, हिंदुस्तान लेवर रिटर्न फाइल करता है जहां 300 लाख की इनकम दिखाता है आफ्टर क्लेमिंग एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 100 लाख ऑन रॉयल्टी, यूनिलेवर भी रिटर्न फाइल करता है 100 लाख 10 10। अब मैंने यहां पर बताया हुआ है
वन दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एओ आर्म लेंथ प्राइस कितने लेगा 40 लाख, फोर एओ हिंदुस्तान लेवर की इनकम 60 लाख से बढ़ा देगा, पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग लगा देगा, एज पर फर्स्ट प्रोविजन 10AA चैप्टर 6 से डिडक्शन हिंदुस्तान लेवर की नहीं बढ़ेंगी। 6 यूनिलेवर ये नहीं कह सकता कि मुझे रिफंड दीजिए मेरी इनकम 100 लाख नहीं 40 लाख। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, सिंपल है। यूनिलेवर ने एक्सपोर्ट की गुड्स, हिंदुस्तान लेवर ने गुड्स एक्सपोर्ट की यूनिलेवर को 100 करोड़ की और डिडक्शन क्लेम की 10AA में 40 करोड़। एओ ने आमलेन प्राइस 150 करोड़ निकाला और पीस भी 90 करोड़ कर दिया, क्या 10AA डिडक्शन बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? हम लास्ट टाइम कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। पेज 187 पर आइए, सबसेक्शन वन था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस। सबसेक्शन टू के ऊपर लिखिए, सबसेक्शन टू के ऊपर लिखिए व्हेन शैल ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पर्संस बी डीम्ड एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। याद आया कि इसमें लास्ट करवा रहा था आपको, इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट एंटरप्राइज थे, बीच में सिंगापुर में एक डमी एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेट कर दी थी, जहां टर्म्स ऑफ सप्लाई बिटवीन इंडियन एंड सिंगापुर एंटिटी वर कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रेलियन, या देयर वाज अ प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड सिंगापुर कंपनी फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू By an enterprise with a person other than associate enterprise, means unrelated person, shall for the purpose of subsection 1 be deemed to be an international transaction between two associated enterprises. अगर unrelated persons के बीच में transaction हो रही है तो उसे हम deem कर लेंगे as transaction between two associated enterprises, अगर if there exist a prior agreement in relation to the relevant transaction between such other person and the associate enterprise. There is a prior agreement between Singaporean and the Australian, या फिर terms of the relevant transaction, ये जो इंडिया सिंगापुर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है वो उसकी टर्म्स कौन डिटर्मिन कर रहा है, आर डिटर्मिन इन सब्सटेंस बिटवीन सच अदर पर्सन and the associate enterprise, where the enterprise, associate enterprise or both of them are non-residents, irrespective of whether the other person is a non-resident or not. Iska hum analysis dekh rahe the last time. Page 189 par, पेज 189.2, अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड अ पर्सन अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज विल बी डीम्ड टू बी ट्रांजैक्शन विद एन एसोसिएट एंटरप्राइज इन सर्टेन सिचुएशंस। द डीमिंग प्रोविजन इज इंटेंडेड टू कवर केसेस वेयर एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कैन बी इंटरपोज बाय द टू एसोसिएट एंटरप्राइज टू रिमेन आउट ऑफ द एक्ट। सो सीधा एग्जाम्पल देखिए वाला, अच्छा ये अमेंडमेंट आई लॉ में, बताता हूँ क्या अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट क्या आई बताता हूँ आपको।
एंटरप्राइज एक्स इन इंडिया एंड एंटरप्राइज वाई इन ऑस्ट्रेलिया आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. एंटरप्राइज जेड इन सिंगापुर इज नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ एक्स. एंटरप्राइज वाई एंड जेड एंटर इंटू एन एग्रीमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड जेड. द ट्रांजेक्शन एज मे बी एंटर बिटवीन एक्स एंड जेड विच इज गवर्न बाय सच एन एग्रीमेंट एंटर बिटवीन वाई एंड जेड शैल बी डीम टू बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम. ये एंटरप्राइज एसोसिएट है मेरे इंडिया में, ये ऑस्ट्रेलियन एंटरप्राइज एसोसिएट 30% शेयर्स होन कर रहे हैं. अब इनके बीच ट्रांजैक्शन होनी है जहां प्राइस रिगिंग होनी है, करेंगे पकड़े जाएंगे. इसलिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन की दी जाती है बिटवीन एक्स एंड जेड. जेड सिंगापुर में एक अनरिलेटेड पार्टी है. आप ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड जेड चाहे अनरिलेटेड पर्सन में है, इसे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे अगर इस ट्रांजैक्शन के लिए वाई और जेड के बीच में प्रायर एग्रीमेंट है या फिर इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहा है वाई ऑस्ट्रेलिया. अमेंडमेंट आइए, जेड इन सिंगापुर की जगह जेड इन इंडिया भी होता तो भी सेम लॉ लगेगा. Law clarifies that even if Z is a resident in India, then transaction between X and Z will be treated as an international transaction. According to 92B2, a transaction between X India Z Singapore shall be deemed to be a transaction between two associated enterprises if, in relation to this transaction, there exists a prior agreement between Z Singapore Y Australia. या फिर टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजेक्शन आर डिटरमिन्ड इन सब्सटेंस बिटवीन जेड सिंगापुर एंड वाई ऑस्ट्रेलिया. पॉइंट थ्री हम कर चुके हैं, पॉइंट थ्री हम कर चुके हैं. अगर जेड गुड्स एक्स की सब्सिडी को बेच रहा होता, अगेन ये देखा मतलब इसके साथ दिस प्लस, हाँ अगर इसके साथ जेड की ये जो है जेड एक्स की सब्सिडी को भी बेच रहा था गुड्स, देन ऑल्सो दैट कुड बी डीम्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. 92B नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 92B नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 92B है कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी टीपी लगाई जाएगी. आइएगा पेज 193 पर. नेक्स्ट वन एंड ए हाफ आवर और मोर मे बी द एंटायर लेक्चर टुडे विल बी ऑन सबसेक्शन वन. आज का रिमेनिंग लेक्चर सबसेक्शन वन पर ही होगा. एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं 50% से ज्यादा सबसेक्शन वन पर ही. द 92C डील्स विद कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस. द आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. शैल बी डिटरमिन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी सिर्फ ये 6 मेथड ही यूज किए जाएंगे. सिर्फ ये 6 मेथड्स यूज किए जाएंगे. शैल बी डिटरमिन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बीइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, बीइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन
और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कैसे चूज करेंगे, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, फंक्शंस परफॉर्म बाय सच पर्संस और अदर रेलेवेंट फैक्टर्स एज द बोर्ड में प्रिस्क्राइब। और ये 6 मेथड्स हैं। यस, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए देयर कुड बी डिफरेंट मेथड्स, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो आर्म लेंथ प्राइस निकाला जाएगा बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मेथड व्हिच विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कैसे चूज करेंगे ये मैं आपको पेपर 6C में कराऊंगा, हैविंग रिगार्ड टू व्हाट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, फंक्शंस परफॉर्म बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड अदर क्राइटेरियाज जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। बोर्ड ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट स्पेसिफाई की हुई है रूल्स में जो पेपर 6C में करेंगे। ये 6 मेथड है। पहला मेथड है कंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड, जिसे हम बोलते हैं कप मेथड। दूसरा है रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा है कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पांचवा है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड और पांचवा सिक्स्थ है एनी अदर मेथड विच बोर्ड में प्रिस्क्राइब। और बोर्ड ने एक और मेथड प्रिस्क्राइब कर दिया है जो हम करेंगे। कैन टू मेथड्स बी मोस्ट एप्रोप्रिएट? नेवर, नेवर। ओनली वन मेथड कैन बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। एक एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया, थॉरली कंफ्यूज किया, वो क्वेश्चन मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्लास के एंड में बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो कंफ्यूजन आपके माइंड में आ जाए। सो सिर्फ एक ही मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है। मैंने अपने US एंटरप्राइज को एक्सपोर्ट की 100 रुपीज पर, ALP निकली 102, तो अब 102 विल बी टेकन एज ALP। लेकिन बोर्ड कहता है यार थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है। ये थोड़ी है कि जो हम प्राइस निकालेंगे एग्जैक्टली उसी प्राइस पर ट्रांजैक्शन हो। हम जो प्राइस निकालते हैं यूजिंग द 6 मेथड्स, वो तो हमारे हिसाब से सबसे सही प्राइस वो होना चाहिए, बट कुछ प्लस माइनस हो सकता है। इसलिए बोर्ड ने अगर होलसेल ट्रांजैक्शंस हैं तो 1% की वेरिएशन परमिट की, और अगर रिटेल ट्रांजैक्शंस हैं तो 3% तक की वेरिएशन अलाउड है। यानी अगर रिटेल ट्रांजैक्शन है 102 है, 3% के अंदर आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। सेकंड प्रोविजन ये बात कहती है, सबसेक्शन 2 पढ़िएगा, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ये मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया गया है रूल्स में। रूल्स बताते हैं कि किस तरह से हर मेथड में प्राइस निकाला जाएगा,
ये रूल्स आपके कोर्स में हैं। इसका सेकंड प्रूफ ही शो पढ़िएगा, फर्स्ट मत पढ़िएगा, सेकंड प्रूफ ही शो। क्या लिखा है? 3% ऑफ व्हाट? 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। 3% ऑफ एएलपी है या 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है? एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द वेरिएशन बिटवीन द आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमिंड and the price at which international transaction specified domestic transaction has been actually undertaken does not exceed 1% of the latter, latter matlab actual transaction price in respect of wholesale trading and 3% of actual transaction price in case of retail transactions, in that case the price at which international transaction specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm length price. नहीं, सर्विसेस की बात भी आ जाएगी इसमें। इसने रिटेल तो लिखा ही नहीं, अदर केसेस लिखा है यहां पर 3% एंड अदर केसेस, यहां जहां सर्विसेज है वहां 3% आ जाएगा, यानी 3% का आपको मार्जिन दे दिया गया। अब जो 6 मेथड्स हैं उनको करने जा रहे हैं। पेज 196 रूल्स हैं इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 10B। इन रूल्स में जहां भी अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन लिखा उसका मतलब क्या होगा? ना ना, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन देखिए लॉ कहता है जो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होती है वो कंट्रोल्ड होती है बाय द फॉरनर। अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन क्या है? Between unrelated persons. In these rules, uncontrolled transaction means a transaction between enterprises other than associate enterprises, chahe resident ho ya non-resident ho. Yani between unrelated persons jo transaction hai, that is called uncontrolled transaction. For the purpose of 92C subsection 2, the arm length price in relation to an international transaction shall be determined by any of the following methods being the most appropriate method in the following manner, namely, idhar dekhiyega please. Aaj ki class logically kar lijiye, TP mein aapko kabhi dikkat nahi aayegi. मैं इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज हूं, मेरी एक यूएस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज पर गुड्स के हिसाब से, कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन का मान लीजिए 1 लाख गुड्स एक्सपोर्ट किए, ये तो कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। मैंने सिमिलर एक्सपोर्ट्स कनाडा में भी किए हैं अनरिलेटेड पार्टी को, और वहां चार्ज किया 120 रुपीज पर गुड, एज द नेम सजेस्ट
कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन ले लीजिए. कप मेथड इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन. विच इज द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन? ये वाली, ये वाली. दिस इज द एएलपी. खत्म बात. मेथड इज ओवर नाउ. हो गया कंप्लीट? ये मेरी अनकंट्रोल्ड पार्टी है, इसका ले लीजिए. क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में? नहीं, ये तो आप अपने ही लेंगे ना. एक मिनट, तो मैं इतनी जल्दी खत्म करने वाला थोड़ी हूं. मैंने बोला खत्म हो गया, खत्म थोड़ी होगा. अब क्या है, आइडेंटिफाई द कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन जो ये है. ठीक, अब इस ट्रांजैक्शन और इन जो मेरी एक्चुअल ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करिए कि कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस तो नहीं है इन ट्रांजैक्शंस में. और अगर कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हैं उनके लिए एडजस्टमेंट करिए. आप टीपी का लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं, कोशिश करते शायद आप कर ले. सो माई कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइसेस 120. अब इस ट्रांजैक्शन में जो फंक्शनल डिफरेंसेस है उसके लिए एडजस्टमेंट कर दीजिए. ये जो ट्रांजैक्शन है ये CIF बेसिस पर है, इसमें इंश्योरेंस फ्रेट इंक्लूडेड है, जबकि ये ट्रांजैक्शन FOB बेसिस पर थी. यहां इंश्योरेंस फ्रेट 8 रुपीज पर गुड्स गया है. क्या करेंगे अब आप? इसमें ऐड कर देंगे 8 रुपीज, माइनस 8 करेंगे ना, ताकि ये ट्रांजैक्शन इसके कंपेरेबल आ जाए. तो फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट कर दीजिए. ये जो ट्रांजैक्शन है 1 लाख गुड्स की थी, ये ट्रांजैक्शन से 1000 गुड्स की थी. यहां ह्यूज क्वांटिटी है इसलिए ह्यूज क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया है, बट देर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट हेयर. एंड क्वांटिटी डिस्काउंट इज 2.50 रुपीज पर गुड्स. क्या करेंगे? ऐड करूं लेस करूं? लेस करेंगे पक्का. ऐड क्यों होगा? यहां प्राइस मैंने ज्यादा चार्ज किया होगा बिकॉज क्वांटिटी कम है. यहां प्राइस मैंने कम चार्ज किया है बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा है. ट्रांजैक्शन कंपेरेबल तभी होंगी जब इसमें से क्वांटिटी डिस्काउंट लेस करूंगा. 250 लेस कर दीजिए. यहां कोई वारंटी नहीं है, यहां वारंटी कुछ नहीं है, बट इधर वारंटी दी गई है. गुड्स खराब होगी तो रिप्लेस कर देंगे हम, वारंटी है यहां पर, यहां वारंटी नहीं है. वारंटी की कॉस्ट इज 3.50 रुपीज. क्या करेंगे? लेस करेंगे, ऐड करेंगे? लेस करेंगे. क्यों? क्योंकि यहां कॉस्ट बढ़ा दी गई होगी. यहां 3 महीने का क्रेडिट दिया जा रहा है, यहां कैश सेल है. यहां 3 महीने का क्रेडिट दिया जा रहा है, यहां कैश सेल है.
और क्रेडिट की कॉस्ट है 4 रुपीज पर एनम, 3 महीने का क्रेडिट यानी 1 रुपए का क्रेडिट कॉस्ट हो गया। यहां मैंने क्रेडिट दिया है यानी प्राइस बढ़ाई होगी, यहां प्राइस कम की होगी तो क्या करूंगा, ऐड कर देंगे। आप टीपी सीख गए, खत्म। टीपी आप इतना टफ लॉ सीख गए, ओवर। सो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में क्या करिए, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन ले लीजिए, एनालाइज करिए। बिलीव मी एग्जाम में यही लेवल आता है आपका, एंड आई एम हैप्पी टू सी कि 100% ऑफ यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक हियर। तो मुझे लगता है आज मेरी 81 क्लास है, नंबर बढ़ गए लेक्चर के, बट मुझे दुख नहीं हो रहा बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन कि जहां आप लॉ क्रैक कर पा रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में जो फंक्शनल डिफरेंसेस एडजस्ट कर दीजिए। ये ट्रांजैक्शन सीआईएफ बेसिस पे था, ईएफओबी भी था, तो सीआईएफ को ऐड कर दीजिए आप, इंश्योरेंस रेट सॉरी लेस कर दीजिए। ये ट्रांजैक्शन स्मॉल क्वांटिटी में थी, ये ह्यूज क्वांटिटी में थी, यहां क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया है इसलिए वो क्वांटिटी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कर दीजिए। और क्या था, वारंटी दी गई थी, यहां वारंटी नहीं थी, वारंटी की एडजस्टमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कॉस्ट की एडजस्टमेंट कर दीजिए। नाउ दिस इज माई कप मेथड प्राइस। अर्चना के जो दिमाग में है, मैं अभी इनसे बात करता हूं, अर्चना के दिमाग में बहुत उथल पुथल मच रही है, आई नो वॉट शी इज थिंकिंग। बात करते हैं अभी इनसे। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप मेथड, बाय विच स्टेप 1 डिटरमिन द प्राइस चार्ज पेड फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, हमारे केस में 120 रुपीज। सच प्राइसेस देन एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर व्हाट, फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन विच कुड मेटेरियली इफेक्ट द प्राइस इन द ओपन मार्केट, जो हमने चार एडजस्टमेंट की थी। एडजस्टेड प्राइस इज द आमलिन प्राइस। यूनिलिवर यूएस होल्ड्स 30% शेयर ऑफ हिंद लिवर एसोसिएट हो गए। हिंद लिवर मैन्युफैक्चर सीडी राइटर्स एंड सेल्स देम टू यूनिलिवर एंड टाटास। टाटास अनरिलेटेड पार्टी हो गए। ड्यूरिंग द ईयर हिंद लिवर सप्लाइड 10,000 सीडी राइटर्स टू यूनिलिवर एट अ प्राइस ऑफ 2,000 पर यूनिट एंड 100 सीडी राइटर्स टू टाटाज एट 3,000 पर यूनिट। द ट्रांजेक्शन ऑफ हिंद लिवर विद यूनिलिवर एंड टाटाज आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेज। तो हम कंपेरेबल प्राइस क्या लेंगे, 3,000। सेल टू यूनिलिवर एफओबी है, सेल टू टाटा सीआईएफ है, फ्रेट इंश्योरेंस की कॉस्ट है 550, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेल्स टू टाटाज आर बैक्ड बाय फ्री वारंटी फॉर 6 मंथ्स, वेयर एज सेल्स टू यूनिलिवर आर नॉट बैक्ड बाय सच वारंटी, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वारंटी इज 250, लेस कर देंगे। सेल्स यूनिलिवर प्लेसेस लार्जर ऑर्डर, हिंद लिवर हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट 20 रुपीज पर यूनिट, लेस करेंगे। वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द प्राइस चार्ज इन केस ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन एंड एडजस्ट सच प्राइस फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन विच कुड मेटेरियली इफेक्ट द मार्केट प्राइस। हैज द आमलिन प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सीडी राइटर्स सोल्ड टू यूनिलिवर शैल बी डिटरमिन इन कंपेरिजन द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड टू टाटास आफ्टर एडजस्टिंग द अबव डिफरेंसेज 3,000 में ये से 3 लेस किए 2180। प्राइस चार्ज के आपने 2 करोड़ होना चाहिए था 2180, 18 लाख की एडजस्टमेंट की जाएगी। क्लियर है,
दो क्वेश्चंस अर्चना के। पहला क्वेश्चन है कि क्या अगर कोई थर्ड पार्टी को सेल कर रही है, कैन दैट प्राइस बी टेकन? नो। यहां तो हम कौन सा लेंगे, जो हिंद लिवर चार्ज करिए किसी अनरिलेटेड पार्टी से। तो जो अर्चना कह रही थी कि थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी वाला प्राइस ले लीजिए, वो है सिक्स मेथड प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। दैट इज द सिक्स मेथड प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। अगर ये नहीं लगता तब वो लगाइए। आई थिंक व्हाट शी हैड इन माइंड अगर हिंद लिवर ने सेल की होती यूनिलिवर को भी की होती, ए बी सी डी ई एफ जी यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सबको की होती और अलग अलग प्राइस चार्ज किया होता, तो उस केस में मोर देन वन प्राइस निकल जाएगा, मोर देन वन प्राइस निकल जाएगा। बताइए दर्शन, उस केस में क्या होगा? लॉ प्रोवाइड करता है, उसे ब्रेक के बाद करेंगे। उस पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में ड्यू है, अभी तक आया नहीं है। 100% ड्यू है, अभी तक नहीं आया, बट कभी भी आ जाएगा। तो अगर मोर देन वन प्राइस निकलती है, फिर एएलपी कैसे निकाला जाता है, पूरा लॉ बना हुआ है। इसे ब्रेक की बात करें। अगर सारी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टीज को है, कब मेथड नहीं लगेगा फिर? दूसरा मेथड देखिए, नॉर्मली छोड़िए इसको प्लीज, अपने आप बनाते हैं लोग, चाहे टाइम ज्यादा लग रहा है लगने दीजिए, बट जो लॉ खुद बनाएंगे ना, एंड तक आपको याद रहेगा। बन जाइए एक बिजनेसमैन, छोड़िए टीपी, एक बिजनेसमैन बन जाइए। आपने गुड्स परचेज की, लेट्स से 100 रुपीज की, गुड्स को आपकी शॉप तक आने में, फैक्ट्री में तक आने में फ्रेट लगा, इंश्योरेंस लगा 10 रुपीज। सपोज गुड्स इंपोर्ट की थी आपने, कस्टम ड्यूटी लगी 40 रुपीज, कितना हो गया प्राइस? 150। फिर क्या करते हैं आप लोग? प्रॉफिट मार्कअप ऐड करेंगे। सपोज 20% जीपी मार्कअप आप कहते हैं मेरा है, इसमें 20% ऐड किया 30, यानी ये सेल प्राइस पे बेचेंगे आप, इस सेल प्राइस पे बेचेंगे आप। मैं अगर कॉस्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्कअप माइनस जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट लगी थी ये वाली, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। सीगेट का नाम सुना है कभी आपने? हार्ड डिस्क बनाता है,
हार्ड डिस्क बनाता है। सीगेट इंडिया की पेरेंट कंपनी है सीगेट यूएस, इससे ये हार्ड डिस्क इंपोर्ट करती है। ठीक, 1000 रुपीज की इंपोर्ट करती है, फ्रेट इंश्योरेंस कस्टम ड्यूटी पे करती है लेट से 200। ऑफ ए सीगेट इंडिया इन हार्टेस को रीसेल कर देती है मार्केट में, लेट से 1400 रुपीज के हिसाब से। ये जो सेल हुई है ये तो अनरिलेटेड पार्टी को हुई है, ठीक है, रटेंगे नहीं हम। यहां बताइए कहां प्राइस रिगिंग हुई है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। प्राइस रिगिंग कहां पर हुई होगी? ये जो परचेज है ये रिग्ड है, ये मैनिपुलेटेड है। बताइए ये जो सीगेट इंडिया मार्केट में सेल कर रही है क्या ये प्राइस भी कंट्रोल्ड है? नो। हम तो जब पहले फ्रेंचाइजीज को डील करते थे ना, हम हार्ड डिस्क भेजा करते थे, अब तो गूगल ड्राइव आ गई। वैसे करते पहले तो हम क्या करते थे, 150 फ्रेंचाइज हैं तो 450 हार्ड डिस्क रखते थे, 4 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हार्ड डिस्क में डाले, फ्रेंचाइज को भेज दिए, उससे कहा वापस करके भेजियो ताकि सेकेंड हार्ड डिस्क भेज दूं, रोटेशन करते थे हम। और जब हमें हार्ड डिस्क खरीदनी होती थी तो हम वेरियस जो ये होते थे सेलर्स, उनसे कोटेशन लेते थे। सीगेट कहता था 1400 रुपीज, 10 GB टीबी जो भी होते हैं, जीबी टीबी। हम फिर रिलायंस से कोटेशन लेते थे, रिलायंस वो कहता था 3095। तो मतलब जब कोटेशन लेते थे 5-10 रुपए का फर्क होता था। और कोई अगर 1200 की सप्लाई करेगा मैं उससे ही लूंगा। और सीगेट वाले को मालूम है कि मार्केट इतनी कंपिटेटिव है कि हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने पे लगा हुआ है, तो प्राइस 1400 के आसपास ही मिलता है सारी हार्ड डिस्क, चाहे आप रिलायंस डिजिटल से खरीदिए या फिर सैंडिस से खरीदिए, किसी से भी खरीदिए, प्राइस 1400, 1398, 1402 यही चलता है। यानी ये प्राइस अनकंट्रोल्ड है, ये तो मार्केट फोर्स से डिटरमिन हुआ है। अब सीगेट इंडिया ने, एक मिनट, 1440 की बेची है मान लीजिए, यानी इसने 1000 प्लस 200 1200 पे 20% क्या किया होगा, मार्कअप किया, फिर बेची है। अब लॉ कहता है उल्टा चल लीजिए आप, रीसेल प्राइस मेथड कब लगेगा? अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीद के क्या किया है, रीसेल कर दी है। तो लॉ कहता है उल्टा चल के ऐसे उल्टा चल के परचेज प्राइस निकाल लीजिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? उल्टा चल के सेल प्राइस निकाल लीजिए। यानी इस केस में क्या करूं मैं, रीसेल प्राइस लीजिए कितना, ये चंद्रास रीसेल प्राइस तो 1440 है ना, जीरो एग्जाम में मत भूलिएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं तो
अब इसमें से लेस करूंगा मैं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन 20% कम करूं? नो प्लीज, ये तो प्रॉफिट मार्जिन रिग्ड है मेरा, ये तो 1440 से ऊपर के आसपास ही प्राइस बेचेंगे। अब तक हार्ड डिस्क बिकती है आपकी, अगर आपने प्राइस 1600 कर दिया कोई नहीं खरीदेगा, सिंगल हार्ड डिस्क बिकेगी आपकी, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस है। मैं उल्टा चल के सही परचेस प्राइस निकाल रहा हूं, तो मैं ये जीपी तो प्रॉफिट मार्जिन यूज नहीं कर सकता, कौन सा प्रॉफिट मार्जिन यूज करूं? अगर मैं इस तरह की हार्ड डिस्क किसी अन एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीद के बेचना हूं, दैट प्रॉफिट मार्जिन इज द करेक्ट प्रॉफिट मार्जिन? बताइए, तो आई कैन नॉट टेक दिस प्रॉफिट मार्जिन? सो मुझे, अगर मैंने सीगेट इंडिया ने इस तरह की हार्ड डिस्क किसी अनरिलेटेड पार्टी से खरीदी है और उनको आगे बेचा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन लीजिए, बताइए। या फिर क्या करिए आप, अगर आपके केस में सारी सीगेट से आ रही है, फिर क्या करिए, कोई और हार्ड डिस्क सेलर है जो अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के रीसेल कर रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन ले लीजिए। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप इस तरह की गुड्स किसी और से भी खरीद के बेच रहे हैं, उस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लीजिए। और अगर आपके केस में सारी सेल्स यही वाली है, फिर किसी अनरिलेटेड पार्टी जो हार्ड डिस्क खरीद के बेच रही है, उसका जीपी मार्जिन ले लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन। तो मैंने दूसरे का प्रॉफिट मार्जिन लिया, दैट कम्स टू 400। ये हो गया मेरा 1040। इसमें से क्या कम करूंगा मैं? फ्रेट इंश्योरेंस कम करूंगा 200, 840। यानी मेरा सही परचेस प्राइस क्या होना चाहिए था? 840। किया कितने का आपने? 1000 का। देयरफॉर 160 ज्यादा पे किया आपने फॉरनर को, इसलिए 160 पर हार्ड डिस्क इनकम में ऐड किया जाएगा इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज के। क्लियर हो गया? रोहित, एक मेथड है, ये एक मेथड है कि जहां आप वही गोड्स खरीद के आगे रीसेल कर रहे हैं, ये प्राइस अनरेट है, ये ले लीजिए। अब मैं रिवर्स वर्किंग करके परचेस प्राइस पे पहुंच रहा हूं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो लूंगा नहीं मैं। अगर आपके केस में अगर सिमिलर हार्ड डिस्क किसी अनकंट्रोल्ड पार्टी से खरीद के बेचते हैं, वो ले लूंगा मैं, और आपके केस में अगर सारी सेल यही वाली है तो किसी थर्ड पार्टी का ले लूंगा। रिवर्स वर्किंग करके परचेज प्राइस पे पहुंच गया मैं। बहुत सिंपल है। रीसेल प्राइस मेथड, ये कब लगता है? अगर सेम गुड्स सेम सर्विसेज आप एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीद के क्या कर रहे हैं, आगे रीसेल कर देते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। स्टेप वन, द प्राइस एट विच, सो एज द नेम सजेस्ट, रीसेल प्राइस मेथड, यानी गुड्स आपने, गुड्स सर्विसेज आपने एसोसिएट पार्टी से परचेज करके रीसेल कर दी थर्ड पार्टी को, अनरिलेटेड पार्टी को,
द प्राइस एट विच प्रॉपर्टी परचेज्ड और सर्विसेज ऑब्टेन बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइज आर सोल्ड टू एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज इज फर्स्ट डिटरमाइंड. तो ये प्राइस ले लीजिए आप 1440. उल्टी वर्किंग करेंगे. सच रीसेल प्राइसेस देन रिड्यूस बाय द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक्रूइंग टू द एंटरप्राइज फ्रॉम परचेज एंड रीसेल ऑफ सिमिलर गुड्स इन अ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन. अगर सीगेट इंडिया इस तरह की हार्ड डिस्क किसी अनरिलेटेड पार्टी से परचेज करके सेल कर रही है उसका प्रॉफिट मार्जिन ले लीजिए आप. एंड इफ देर इज नो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन देन टेक ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एन अनरिलेटेड पर्सन फ्रॉम द परचेज एंड रीसेल ऑफ सिमिलर गुड्स. उल्टा स्टेप चल रहे हैं फिर क्या करेंगे. रिड्यूस द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. इसमें आ जाएगा इंश्योरेंस. लिखिए इंश्योरेंस फ्रेट इन वर्ड एंड कस्टम्स ड्यूटी. तो स्टेप वन रीसेल प्राइस ले लीजिए उसमें से लेस करिए क्या प्रॉफिट मार्जिन लेस करिए एक्सपेंसेस. अब जो आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किए हैं और जिस ट्रांजैक्शन का आपने प्रॉफिट मार्जिन लिया है उसमें कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हैं उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए. द प्राइस सो अराइव्ड एट इन स्टेप थ्री is adjusted to account for the functional differences, if any, in the international transaction and the comparable uncontrolled transaction which could materially affect the GP margin in the open market, and the price arrived at is the arm's length price. टेट्रापैक ऑस्ट्रिया है. ये 30% शेयर्स ओन करती है अल्फा लेवल इंडिया के. एसोसिएट एंटरप्राइजेस है अल्फा लेवल इंडिया 1000 टॉवल डिस्पेंसर्स इंपोर्ट करती है टेट्रापैक ऑस्ट्रिया से. किस प्राइस पर 2900 पर यूनिट और इनको सेल कर देती है होटल हयात रेजेंसी को एट 3000 पर यूनिट. इंडिकेट कर रहा है कि रीसेल प्राइस मेथड यूज होगा. अल्फा लेवल ने सिमिलर गुड्स किससे खरीदे हैं अल्टीमेट इंडस्ट्री से खरीदे हैं और उनको बेचा है होटल ताज पैलेस को जीपी ऑफ 12% ऑन सेल्स. टेट्रापैक ऑस्ट्रिया
ऑफर्स व्हाट क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट वेयर इज अल्टीमेट इंडस्ट्रीज डज नॉट ऑफर दिस क्वांटिटी डिस्काउंट अल्फा लेवल इंडिया लिमिटेड इज इनकर्ड freight of 10 rupees, custom duty of 25 rupees in case of purchases made from Tetra Pak. What is my starting point? 3000. Ulta chalenge. Normal GP margin sales pe diya hua hai. 12% le lenge. Kitna ho jayega? 3000. इसमें से क्या माइनस करेंगे? फ्रेट कस्टम ड्यूटी माइनस कर देंगे. ये मेरा कंपेरेबल प्राइस आ गया. यहां पर क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया था, यहां नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे आप? फंक्शनल डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए 10 रुपीज माइनस कर देंगे. यानी परचेज प्राइस कितने की होनी चाहिए थी? 2595 है कितने की? 2900. टीपी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी. देखिए तो और ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट से उठाए हुए. आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया इसलिए एग्जामिनर ने पूछ लिया. मैंने ये क्वेश्चंस उठाए इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट से और एग्जामिनर ने वहीं से इन्हीं क्वेश्चंस में ऑल्टरेशन करके पूछ लिया. ठीक. थर्ड मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड. छोड़िए छोड़िए, बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. आपने फॉरनर को गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट की या फॉरनर को सर्विसेज प्रोवाइड की एसोसिएट एंटरप्राइज को? जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी वो तो अनकंट्रोल्ड है. जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी आपकी, सर्विसेज प्रोवाइड करने में कॉस्ट लगी, वो अनकंट्रोल्ड है. तो उस कॉस्ट को लेके क्या करेंगे उसमें आप? एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर देंगे. दैट्स ऑल. ये प्राइस होना चाहिए था. कॉस्ट प्लस मेथड डिटरमिन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. तो क्या करिए आप? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालिए प्रोडक्शन की, जो आपने गुड्स प्रोवाइड की फॉरनर को, सर्विसेज प्रोवाइड की उसकी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लीजिए. स्टेप टू, डिटरमिन द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप टू सच कॉस्ट विच विल अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिमिलर गुड्स और सर्विसेज टू एन अनरिलेटेड पार्टी. और अगर आपके केस में कोई अनरिलेटेड पार्टी नहीं तो क्या करिए आप? किसी भी आउटसाइडर जहां कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन हो रही है इस तरह की, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ले लीजिए. ठीक. थ्री,
ये जो आपने नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप लिया है स्टेप टू में, उसमें एडजस्टमेंट करिए ऑन अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन विच कुड मेटीरियली इफेक्ट सच प्रॉफिट मार्क में द ओपन मार्केट। सो स्टेप वन है, जो आपने गुड्स प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड की, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लीजिए, उसमें फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप करिए अगर आप सिमिलर गुड्स बनाकर किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं या सर्विसेज थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपके केस में सारी सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड हो रही हैं एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो किसी बाहर की पार्टी का जो सेम काम कर रही है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ले लीजिए। स्टेप थ्री में कह रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप लिया आपने, जो आपकी ट्रांजैक्शन है और जिस ट्रांजैक्शन का आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप लिया उसमें जो फंक्शनल डिफरेंसेस हैं उससे जीपी मार्कअप को ठीक कर दीजिए। और फिर क्या करिए, जो कॉस्ट आपने स्टेप वन में निकाली थी उस पर ये जीपी मार्कअप अप्लाई करके ऐड कर दीजिए। द सम सो अराइव्ड एट इज द आर्म लेंथ प्राइस। हाँ देखते हैं, देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो गाइडेंस नोट है ये बेसिकली इंस्टीट्यूट की क्रिएशन नहीं है, ये बिग फोर ने बनाया था। और बिग फोर ने जो अपने एक्सपीरियंस थे, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस, वो शेयर किए थे। देखिए वन सच एग्जाम्पल, एल्टो लिमिटेड जर्मनी होल्ड्स 30% शेयर्स इन बीटा इंडिया एसोसिएट है। बीटा डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ ऑन साइट ऑफ साइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर वेरियस कस्टमर्स। सो बीटा इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, ऑन साइट ऑफ साइट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बीटा लिमिटेड ने ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड किया एल्टो लिमिटेड को फॉर 100 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 2,000 रुपीज पर मैन आवर। द टोटल कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस वर्क अमाउंटेड टू ₹1,75,000। बीटा लिमिटेड ने बिल किया सी लिमिटेड इंडिया को एट ₹3,000 पर मैन आवर फॉर द सिमिलर लेवल ऑफ मैन पावर एंड अर्न अ जीपी ऑफ 50% ऑन दिस कॉस्ट। यहां बताइए कप मेथड भी लग सकता है या नहीं? कप मेथड लग सकता है या नहीं? लग सकता है। कंपेरेबल दूसरी पार्टी को बिलिंग करिए 3,000 पर मैन आवर, तो यहां कप मेथड भी लग सकता है, कॉस्ट प्लस मेथड भी लग सकता है। ये तो जो बोर्ड के रूल्स हैं डिटेल में, जो हम पेपर 6C में करेंगे उसके हिसाब से डिटरमिन करेंगे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। तो यहां मान लेते हैं कि कॉस्ट प्लस मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। पढ़िए आगे, पढ़िए आगे प्लीज।
चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। कॉस्ट प्लस मेथड, जो इसने जर्मनी को सर्विसेज प्रोवाइड किया उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? 1,75,000। जीपी मार्कअप हम थर्ड पार्टी का लेंगे। यहां पर सी लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टी है, जीपी मार्कअप 50% है उसका। अब ये कह रहे हैं जो एल्टो जर्मनी से ट्रांजैक्शन हो रही है और जो सी लिमिटेड से ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें ये फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। जो एल्टो जर्मनी है इंडियन कंपनी को फ्री में टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती रहती है, यानी जितने टेक्निकल अपडेट होते हैं उसकी उसको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन कंपनी, जबकि सी लिमिटेड से ऐसा कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता। तो बताइए सी लिमिटेड को ज्यादा बिलिंग की होगी आपने, कम बिलिंग की होगी? कम की होगी। एक मिनट, सी को ज्यादा बिलिंग की होगी बिकॉज इनसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं आता। जर्मनी से फ्री में टेक्नोलॉजी सपोर्ट आता है, इसलिए मैंने उस कंसिडरेशन को माइंड में रखते हुए बिलिंग कम कर दी होगी। ये प्रॉफिट यानी ज्यादा वाला है मेरा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टेक्नोलॉजी सपोर्ट को आप वैल्यू कर लीजिए 20% ऑफ द नॉर्मल जीपी। क्या करूं? 50% का 20% लेस कर दूंगा। नेक्स्ट, एल्टो से खूब जबरदस्त बिजनेस आते हैं जबकि सी लिमिटेड से छोटी छोटी क्वांटिटी आती है, इसलिए क्या किया गया होगा? सी को क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं दिया गया होगा, इसलिए सी का जीपी मार्जिन क्या होगा? ज्यादा किया गया होगा। क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? उसको वैल्यू कर लीजिए 10% ऑफ नॉर्मल जीपी, 5%, 3। एल्टो से बिजनेस लाने के लिए मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, वहां से तो एश्योर्ड बिजनेस आता रहता है, बट सी लिमिटेड जैसी कंपनी से बिजनेस लाने के लिए मुझे पूरी कंट्री में होर्डिंग लगानी पड़ती है, टेलीविजन में एड देने पड़ते हैं, सोशल मीडिया में जबरदस्त खर्चा करना पड़ता है, तो मैंने क्या किया होगा? सी लिमिटेड से ज्यादा बिलिंग की होगी और मार्केटिंग फंक्शन के लिए वो कह रहे हैं कि कॉस्ट कितनी ले लीजिए? 10% माइनस कर दूंगा। आगे बीटा लिमिटेड ऑफर करती है क्रेडिट एल्टो को, क्रेडिट सी को नहीं दिया जाता, अगर किसी को आप क्रेडिट नहीं देते तो क्या करते? उसका सेल प्राइस ज्यादा करते हैं कम करते हैं? कम कर देते हैं। अगर मैं आपको क्रेडिट दूंगा तो कॉस्ट सेल प्राइस बढ़ा दूंगा अपनी, यानी सी की सेल प्राइस कम रखी गई होगी। कंपेरेबल आने के लिए क्या करूं? ऐड कर दीजिए। दिस इज माय एडजस्टेड जीपी। इसको इस पे अप्लाई कर दीजिए, इसको इस पे अप्लाई कर दीजिए, इनकम बनती है 230 जबकि बिल कितने पे किया गया? 2 लाख पर। ये टीपी के द्वारा इनकम बढ़ा दी जाएगी। ठीक है,
एक काम करते हैं, पांच दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, वापस आते हैं, फिर दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको एक फील आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया करते हैं। पेज 221 क्वेश्चन 6, अनुष मोटर्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्ड, पेज 221 क्वेश्चन 6, declared income of 300 crores computed in accordance to chapter 4D but before making any adjustments in respect of the following transactions for the year ended 31st March 21, question ke end mein kya likha hua hai? आपको इनकम निकालनी है टीपी का इफेक्ट लेकर, एज्यूम कर लीजिए एक डॉलर 50 रुपीज का है और एक यूरो 55 रुपीज का पूरे साल। 10,000 कार्स सोल्ड टू रीडा लिमिटेड विच होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ अनुष मोटर्स लिमिटेड एट अ प्राइस विच इज लेस देन 200 ईच कार then price charged from Shingto Limited. Anush Rida associate enterprise है, इसने गाड़ियां बेची हैं रीडा को, 10,000 गाड़ियां बेची हैं, और इसी तरह की गाड़ियां किसको बेची हैं? Shingto को। Shingto unrelated party है और रीडा से क्या किया गया है? $200 कम चार्ज किया गया है, तो क्या होगा? कप मेथड लगाकर $200 पर कार इनकम इंक्रीज हो जाएगी, कितनी होगी? $200 इंटू 10,000 कार्स, 20 लाख इंटू 50 रुपीज, 20 लाख इंटू 5, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी। रॉयल्टी ऑफ 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स पे टू क्योटो लिमिटेड फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन मैन्युफैक्चरिंग द कार, क्योटो हैज प्रोवाइडेड द सेम नो हाउ टू अनदर इंडियन कंपनी फॉर $90,000, 90 लाख पाउंड्स डॉलर्स। सिंस इनकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है ऑन द टेक्निकल नो हाउ फ्रॉम क्योटो, एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। रॉयल्टी दिया 1 करोड़ 20 लाख और इसी फॉरेन कंपनी ने दूसरी इंडियन कंपनी को नो हाउ दिया था एट $90 लाख, यानी क्या हुआ? $30 लाख एक्सेस है, तो 30 लाख इंटू 50 रुपीज एडिशन हो जाएगा। यह अभी 6th मेथड लगाएंगे उसमें होगा, ये अभी 6th मेथड करेंगे उसके हिसाब से लग जाएगा, ये किसी और पार्टी का प्राइस ले लेंगे हम। चलिए 6th मेथड कर ही लेते हैं, हाथ की हाथ 6th मेथड हाथ के हाथ कर ही लेते हैं। आ जाइए पेज 201 पर,
जो सिक्स मेथड है प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी, आज ना शुरू में कह रही थी कि हम कप मेथड में क्या लेते हैं, अगर असेसी ने कोई कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन किया विद अ थर्ड पार्टी वो लेते हैं, अनरिलेटेड टू अनरिलेटेड का नहीं लेते हम, वो सिक्स रूल कहता है। सिक्स मेथड कहता है कि आप अगर एक से लेकर पांच तक मेथड नहीं लगा रहे तो सिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन कहीं और हुई है वो बेसिस ले लीजिए। कप मेथड में तो जो असेसी दूसरी पार्टीज को बेच रहा है वो प्राइस देते हम कंपेरेबल प्राइस, अननोन टू अननोन का प्राइस नहीं देते हम। सिक्स मेथड में इन्होंने ये परमिट कर दिया कि अगर कोई मेथड नहीं लग पा रहा तो सिक्स मेथड यूज कर लीजिए, कोई अननोन पार्टी अननोन पार्टी से अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन कर रही है वहां जो प्राइस पे हो रहा है, चार्ज हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसको बेसिस ले लीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ 92C1F, व्हाट वाज एफ? एनी अदर मेथड प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। द अदर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी एनी मेथड विच टेक्स इन टू अकाउंट द प्राइस विच हैज बीन चार्ज्ड और पेड और वुड हैव बीन चार्ज्ड और पेड फॉर सेम और सिमिलर अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन बिटवीन विद और बिटवीन नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस कंसिडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। यानी अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो आपसे कोई रिलेशन नहीं रखता, उनके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो बेसिस ले लीजिए। ऑब्वियसली सेम ट्रांजेक्शन, अगर आप ट्रैक्टर बेच रहे हैं तो क्लॉथ से कंपेयर नहीं कर सकते। एन एसोसिएट एंटरप्राइज एक्स इन इंडिया इंपोर्ट टॉयज फ्रॉम चाइनीज एसोसिएट एंटरप्राइज एट 100 रुपीज पर टॉय, और इसकी सारी परचेजेस इस चाइनीज से ही है जो एसोसिएट है। एक कंपनी वाई इन इंडिया है जो इंपोर्ट करती है सिमिलर टॉयज फ्रॉम अनदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर एट 60 रुपीज पर टॉय, विल टेक दिस एज अ बेसिस एज पर द सिक्स मेथड प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। विवेक आ रहा है समझ में? वापस आइए पेज 221 पर। नंबर टू में, नंबर वन में तो मैंने कप मेथड यूज कर दिया था, नंबर टू में मैंने कौन सा मेथड यूज किया? सिक्स मेथड। थर्ड, लोन ऑफ यूरो 1000 करोड़, स्टूडेंट्स को आता था फिर भी गलती कर गए यहां पर, देखते हैं आप गलती करते हैं या नहीं। सिंपल है बट गलती पता नहीं कैसे कर गए, कहीं ये बेवकूफी वाली गलती कर गए, करके देखते हैं कहीं आप भी तो वो गलती नहीं करते। लोन ऑफ यूरो 1000 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एडवांस बाय डॉर्फ अ जर्मन कंपनी वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ अनुष मोटर्स इज 90,000 करोड़। क्लेवर क्वेश्चन, सेड जर्मन कंपनी हैज एडवांस अ सिमिलर लोन टू इंडियन कंपनी एट 9% पर एनम, टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 100 करोड़। एसोसिएट बन गए या नहीं? कैसे बन गए? क्या बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 90,000 करोड़? लोन कितने का है?
55,000 करोड़, 51% से ज्यादा एसेट्स लोन से हैं, लोन रिप्रेजेंट्स 51% ऑफ मोर एसेट्स एंड देयरफॉर एसोसिएट हो गए। इंटरेस्ट कितना पे करी इंडियन कंपनी? 10%। सिमिलर इंटरेस्ट पे किया है दूसरी कंपनी ने कितना? 9%। कितनी एडजस्टमेंट करेंगे? 1 मिनट रुक जाइए, पहले करिए कितना करेंगे। फिगर बताइए ना मुझे। एक्सेस इंटरेस्ट कितना पे किया गया? 550 करोड़। अमाउंट बताइए ना, कितने यूरो? 10 करोड़ यूरो एक्स्ट्रा पे किया है, जिसकी आईआर वैल्यू है 550 करोड़। अमाउंट बताइए ना मुझे प्लीज। 550 करोड़ सही है या नहीं? टोटल 100 करोड़ से इंटरेस्ट पेड है, 1% एक्स्ट्रा पे किया है, यानी 10 एक्स्ट्रा पे किया है, यानी कि ये डिसला होगा दिस 10 करोड़ इंटू 55, 550 करोड़ डिसला होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई इसमें टेक्निकल था ही नहीं कुछ भी। नहीं, करेक्ट। पेज 229 क्वेश्चन 19 जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नैनो आईएनसी अ जर्मन कंपनी होल्ड्स 45% शेयर्स इक्विटी ऑफ हाईटेक ड्रिलिंग इंडियन कंपनी, एसोसिएट हो गए। यूर ऑन पेज 229। हाईटेक इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ऑफ द सेम फॉर कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। क्लाइंटेल ऑफ इंक्लूड्स नैनो आईएनसी, सो एक नैनो आईएनसी भी इसका क्लाइंट है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 हाईटेक स्पेंड 24 मैन आवर्स फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर फॉर नैनो आईएनसी विद ईच आवर बिल्ड एट 1300 रुपीज। सो नैनो ये किस क्या है? सो हाईटेक अपनी एसोसिएट नैनो को सर्विस प्रोवाइड कर रही है 2400 मैनर्स, बिल किए 1300 रुपए के हिसाब से। इसके लिए कॉस्ट इनकर किया है कितने रुपीज?
2010. Hi-Tech has also undertaken developing software for Modi Industries, for which Hi-Tech had billed 2700 rupees per man hour. लग रहा है मैं कप मेथड यूज कर सकता हूं, देखते हैं देखते हैं. द पर्सन्स वर्किंग फॉर मोदी इंडस्ट्रीज एंड नैनो वर पार्ट ऑफ द सेम टीम एंड वर ऑफ मैचिंग क्रेडेंशियल्स एंड कैलिबर. यानी जो एम्प्लॉयज दोनों काम कर रहे हैं सेम एम्प्लॉयज हैं. हाईटेक मेड जीपी ऑफ 60% ऑन मोदी इंडस्ट्रीज वर्क. हाईटेक ट्रांजेक्शन्स विद नैनो आईएनसी आर कंपेरेबल टू ट्रांजेक्शन्स विद मोदी इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट द फॉलोइंग डिफरेंसेस. आप देखेंगे वही क्वेश्चन है गाइडेंस नोट वाला. ये तो गाइडेंस नोट वाला ही क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट प्लस मेथड यूज करिए. क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्लस मेथड यूज करिए. आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लीजिए कितनी है. 20 लाख रुपीस. नॉर्मल जीपी मार्कअप टू सच कॉस्ट विच विल अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिमिलर गुड्स टू अनरिलेटेड एंटरप्राइज इन कंपेरेबल ट्रांजेक्शन, वो निकाल लीजिए कितना है. 60%. उस जीपी मार्कअप को एडजस्ट करिए किससे. फंक्शनल डिफरेंसेस से. डिफरेंसेस क्या है. नैनो हाईटेक को टेक्निकल सपोर्ट देती है जो 8% ऑफ नॉर्मल जीपी माना जाए. मोदी इंडस्ट्री से ऐसा सपोर्ट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम. माइनस कर देंगे 8% ऑफ 60. सिंस वर्क फॉर नैनो हैज इन्वॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ मैन आवर्स, क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया था जो 14% ऑफ नॉर्मल जीपी ले लिया जाए. यानी नैनो में आपका जीपी कम आया होगा बिकॉज क्वांटिटी डिस्काउंट. तो क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे. हाईटेक ने 90 डेज का क्रेडिट दिया था नैनो को जिसकी कॉस्ट है 2% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट. कंफ्यूज किया एग्जामिनर ने. बिलिंग रेट, नॉर्मल बिलिंग रेट. नो सच डिस्काउंट वॉज ऑफर टू मोदी इंडस्ट्रीज. तो क्या करेंगे इससे. जब क्रेडिट देते हैं तो कॉस्ट सेल प्राइस बढ़ा देते हैं. यानी जीपी मोदी का कम रहा होगा तो क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे. अब नॉर्मल जीपी मार्जिन है 60. टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने लेस किया, क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए लेस किया. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू नैनो मैंने देखिए क्या किया है, 2% ऑफ 100 लिया है. एग्जामिनर ने क्या पूछा है, बिलिंग रेट का 2% है. बिलिंग रेट लेट्स से 100% है, उसका पूरा 2% ऐड कर देंगे. ये जो प्रॉफिट है किस पे आ रहा है, कॉस्ट पे नहीं आ रहा, सेल पे आ रहा है.
So made a GP of 60% on Modi Industries work. सील पर है विवेक, जो उसके लिए काम किया है उसके लिए मुझे जो पैसा मिला उस पर 60% है। तो तब ये ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूं इसे, क्योंकि मैं भी जब मैंने सॉल्व किया ना, मैंने 60% ऑफ कॉस्ट ले लिया था। फ्रेंकली जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने 60% ऑफ कॉस्ट ही लिया था। बट जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आया, दे सेड कि इट्स वेरी क्लियर जो काम किया गया है उसका 60% जीपी यानी सेल प्राइस का है। ठीक है, अब क्या है, सपोज सेल प्राइस 100 है। अच्छा इधर देखिए, ये मेरा टू परसेंट मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, यानी मेरा आमनेन प्राइस ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट मार्कअप 48.8 होना चाहिए। ये प्रॉफिट मार्कअप किस पर है, सेल पर। सिंबल इक्वेशन, अगर मेरा सेल प्राइस 100 है तो उस पर मार्कअप 48.8 है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट 51.2 हो गई। तो अगर मैं नॉर्मल जीपी मार्कअप निकालूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पे कितना आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन 95.3125। अकॉर्डिंगली मैंने वो मार्कअप लगा दिया इस पर, एंड ये प्राइस होनी चाहिए थी ये बिलिंग की, इसलिए एडजस्टमेंट कर देंगे। तो फ्रेंकली लेट मी एडमिट, मैंने भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था गलत किया था। मैंने भी जब ये क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अपने आप अपने मॉडल बनाने के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट का सजेशन बहुत देर से आता है, तो मैंने 60% ऑफ कॉस्ट ही लिया था। जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आया, दे सेड दैट हम बड़े क्लियर हैं कि मोदी इंडस्ट्रीज का जो वर्क है उस पर 60% सेल प्राइस पर है, एंड अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए था। तो दिस इज द ओनली ट्रिकी क्वेश्चन विच इज अपीयर टिल डेट इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 19 was the only tricky question which has appeared till date in the CA final examination. Page 233. ये भी क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा, ये भी क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा। अमर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर इज एंगेज्ड इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इट इज अ सबसी ऑफ एबीसी आईएनसी इन यूएस, यानी अमर एंड एबीसी एसोसिएट हो गए। बोलिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू कंपनी एस ए के लिमिटेड एट सिंगापुर, यानी सिंगापुर कंपनी क्या हो गई, अनरिलेटेड पार्टी। इट्स बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन एज अंडर,
जो यूएस सबसी को बिलिंग हुई है $85,000, सिंगापुर कंपनी जो अनरिलेटेड पार्टी है उसको बिलिंग हुई है $70,000, एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ $1,00,000 टू अमर प्राइवेट लिमिटेड टुवर्ड्स परचेज ऑफ हार्डवेयर फॉर एग्जीक्यूटिंग इट्स प्रोजेक्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर द सेड लोन इज 3% पर एनम. सो सर ये दो ट्रिकी क्वेश्चन आ सके एग्जाम में आए हैं, बाकी सारे सिंपल हैं. क्या है यहां पर, जो यूएस कंपनी है उसने इसमें उतर लिया जाएगा, लोन दिया है किसको, अमर को, किस लिए, परचेज ऑफ हार्डवेयर फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर द सेड लोन इज एट 3% पर एनम, यानी इंडियन कंपनी यूएस कंपनी के लिए काम कर रही है, इंडियन कंपनी को एक हार्डवेयर खरीदना पड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए, $100,000 का है. $100,000 के लिए क्या कर रही है यूएस कंपनी, 3% पर लोन प्रोवाइड कर रही है, और ये हार्डवेयर यूज होगा इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट. क्या इशू लगता है आपको, एक मिनट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड आर $100, $200 पर आवर रिस्पेक्टिवली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट. अमर प्राइवेट लिमिटेड वर्क्स 9 hours पर डे फॉर 15 days टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट फॉर एबीसी, 8 hours पर डे फॉर 15 days टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट फॉर एसी लिमिटेड. सर्विस वॉज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू बोथ द कस्टमर्स थ्रू आउट द ईयर. मैंने कहा ट्रिकी क्वेश्चन है. वारंटी वॉज प्रोवाइडेड टू एसए के लिमिटेड फॉर 2 years. कॉस्ट ऑफ वारंटी इज कैलकुलेटेड 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड. कॉस्ट ऑफ वारंटी इज नाइदर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. आपको रेट दिया हुआ कन्वर्जन का ₹64 पर डॉलर. आमदन प्राइस एज पर कॉस्ट प्लस मेथड आपको निकालनी है. प्राइमा फेसी ये कह रहे हैं कि एबीसी को ज्यादा बेलिंग हो रही है, रिलेटेड पार्टी को, अनरिलेटेड पार्टी को कम बेलिंग हो रही है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि कॉस्ट प्लस मेथड निकालिए, एएलपी निकालना पड़ेगा, एएलपी निकालना पड़ेगा. कोशिश करिए. करिए, टाइम पूरा खराब करिए, कोई दिक्कत नहीं. एक काम करता हूं, हेल्प करता हूं आपकी. अनरिलेटेड पार्टी का सेल प्राइस लिखिए पहले. अनरिलेटेड पार्टी का सेल प्राइस क्या है, 70,000. नहीं नहीं सेल प्राइस निकालिए ना, नॉर्मल इनटू
64 rupees. कितना गया? 40. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? 100 rupees, डॉलर्स, $200. कितने आवर्स खर्च किए हैं? 9 hours पर डे एबीसी के लिए. नहीं नहीं, ये तो मैं अनरिलेटेड पार्टी निकाल रहा हूँ. अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी तो सिंगापुर वाली है. 8 hours पर डे 120. 8 hours into 15 days इंटू 100 और 200 दोनों होंगे ना. $300 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इंटू 64 कितना आ गया? 23 लाख. कितना प्रॉफिट आ गया? 21 लाख. प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ, मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो क्या होगा? 94. ये हो जाएगा 94.44%. कोई दिक्कत नहीं इसमें तो मेरे हिसाब से. जो मैंने सोल्यूशन किया वो दूसरे तरीके से किया है. जब मैंने पहली बार खुद सॉल्व किया तो मैंने ऐसे ही किया था. जो मैंने दिया वो इंस्टीट्यूट का सजेशन दिया हुआ है, बट मेरा तरीका भी गलत नहीं है. बताइए अब क्या है. कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करेंगे हम? ये जो यूएस कंपनी को सेल हुई है उसकी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लीजिए कितनी है. 9 hours 15 days इंटू 300 इंटू 64 कितनी आ गई? 20. कुछ गलती कर रहा हूं मैं शायद. 25 लाख. एक मिनट रुक जाइए. पॉइंट नंबर 3 देखिएगा. पॉइंट नंबर 3 देखिएगा. पॉइंट 3 में क्या है इस क्वेश्चन में? सिर्फ यही ट्रिकी चीज थी और कुछ नहीं था. फॉरेन कंपनी को, इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एक बड़ा सर्वर लेना पड़ा
बड़ा सर्वर लेना पड़ा, उस सर्वर के लिए सपोज बैंक से लोन लेती तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड हो जाता, क्योंकि सर्वर इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है। यह लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एबीसी। $100,000, उस पर 3% इंटरेस्ट है, कितना हो गया? $300,000। तो $3,000 इंटू 64 एडिशन करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का, कितना आता है वो? 1,00,000। ये मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बनी। ये तो पूरे साल की बिलिंग है ना ये? हाँ सॉरी, पर मंथ है सॉरी, डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर मंथ है कितना आ जाएगा? 16, 26, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई मेरी, सिर्फ यही एडजस्टमेंट थी मेन, बाकी तो सब क्लरिकल चीजें हैं। आगे क्या है? जो मैंने जीपी रेट निकाला कितना निकाला था? 94.44%। उसमें फंक्शनल एडजस्टमेंट्स कर दीजिए, ओके मैंने एक ही एडजस्टमेंट है अपने हिसाब से चलते हैं। 26,08 आ गया मेरा जीपी, कितना है? 94.44%, कितना हो गया ये? 20, इसमें क्या करिए बाबू? वन परसेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया? 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है मेरी? $12,000 पर मंथ। पर मंथ है ना, उसका 1% ले लीजिए, $120 वो ऐड कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा आपका। यह आंसर डॉलर्स में दिया हुआ है बट इस तरह से आ जाएगा जब आपका आंसर। तो सिर्फ ये दो क्वेश्चन आए आज तक जो टिकलिश थे, और टिकलिश भी इस तरह से थे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे इसे। बताइए, देखिए जो मैंने सिंगापुर कंपनी को किया है ना उस पर वारंटी है, तो जो मैंने मतलब ये जो मैंने रेट निकाला है ये तो विद वारंटी है, यानी ये रेट ज्यादा होगा। मैं किसी को
अगर मैं एक टेलीविजन आपको सेल करता हूं विद वारंटी, रोहित को सेल करता हूं विदाउट वारंटी, आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो मेरा जीपी ज्यादा आएगा, तो इसलिए जीपी ज्यादा आ रहा है, इसलिए कमी करेंगे उसमें। एक बार फ्री माइंड से करिएगा, हो जाएगा आराम से। बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। बस ये दो क्वेश्चन थे जहां दिक्कत वाली थे। बाकी ऑल सिंपल। पेज 227 क्वेश्चन 16 देखिएगा। XE एक इंडियन कंपनी है जिसमें जिला यूएस कंपनी की 28% शेयर होल्डिंग है, एसोसिएट हो गए, दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन थी, इंडियन कंपनी ने टी शर्ट्स बेची $1,02 के हिसाब से जिला को, आइडेंटिकल टी शर्ट्स वाज़ सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी एट $3 पर यूनिट, क्या करेंगे? $1 × 1,00,000 एडिशन हो जाएगा। एक्स ई बोरो 2 लाख फ्रॉम फॉरेन लेंडर, सो इंडियन कंपनी ने फॉरेन लेंडर से बोरो किया बेस्ड ऑन गारंटी ऑफ जिला, जिला ने गारंटी दी है, और क्या हुआ यहां पर? एक्सी ने गारंटी फी पे किया जिला को $10,000, अनरिलेटेड पार्टी अगर गारंटी देती तो $7,000 चार्ज करती, तो क्या होगा? $3,000 का एडिशन हो जाएगा। एक्सी पेड $15,000 टू जिला फॉर गेटिंग वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स डिटेल्स टू इंप्रूव जिला बिजनेस, जिला प्रोवाइडेड द सेम सर्विस टू अनरिलेटेड पार्टीज फॉर $10,000, पांच एडिशन हो जाएगा। सो बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो इस तरह के हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन छोड़कर जो मैंने कराया आपको, उन दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है? बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं, कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चंस 1 to 12 करिएगा, एक्सेप्ट क्वेश्चन 8 and 10। क्वेश्चन 19 करिएगा, ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन आराम से हो जाएंगे आपसे। तो जो लास्ट में मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए, टिकलिश थे, फ्रेंकली एग्जाम का जब क्वेश्चन आया था मैं अभी नहीं कर पाया था, तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मेन एडजस्टमेंट थी, जो बाहर से लोन आया था फॉर एक्वायरिंग द एसेट फॉर द प्रोजेक्ट, दैट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक तो वो इशू था, और जो उससे पहला क्वेश्चन था उसमें इशू ये था कि जो
जीपी मार्जिन है आपका वो सेल्स पर है, कॉस्ट पर नहीं। तो इन दो क्वेश्चन उद्भव करिएगा, इन क्वेश्चन को करिएगा। कॉस्ट कम क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हम ये मान रहे हैं वो मशीन दूसरी ट्रांजेक्शन में यूज नहीं हो रही। आ जाइए पेज 196। सिक्स मेथड्स होते हैं फॉर डिटरमिनिंग द एएलपी। पहला मेथड समझ में आ गया आपको, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, ये रह गया था हमारा, ये रह गया अभी हमारा। दूसरा मेथड था रीसेल प्राइस मेथड, ये कब लगता है? एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स लेकर रीसेल किए जा रहे हैं बिना मॉडिफिकेशन के। थर्ड था हमारा कॉस्ट प्लस मेथड। फोर्थ मैं छुड़वा देता हूं बट नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, फोर्थ नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। पेज 201 पर हमने सिक्स्थ मेथड किया। सिक्स्थ मेथड क्या था? प्रिस्क्राइब बाय सीबीटीटी, यानी अगर आपके केस में कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, इसी तरह की ट्रांजैक्शन कोई थर्ड पार्टी से कर रहा है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, वो बेसिस ले लीजिए। पेज 200 ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। मैनर कफ वाला ही लेंगे। सिक्स मेथड में सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी वाले ले लीजिए। जैसे चाइनीज गुड्स का मैंने एग्जांपल दिया, चाइनीज गुड्स टॉयज इंपोर्ट करता है, एसोसिएट एंटरप्राइज से कर रहा है। आज इंडियन मार्केट में भरे पड़े लोग हैं जो कि चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करके बेचते हैं टॉयज, उनका मार्जिन ले लीजिए। पेज 200 ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड क्या मतलब हुआ? व्हाट इज नेट मार्जिन? नेट प्रॉफिट। प्रैक्टिकली ये बहुत यूज किया जाता है। TNMM बोलते हैं इसे हम। कुछ नहीं है इसमें। हिंदुस्तान लिवर यूनिलिवर को शैंपू एक्सपोर्ट करती है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। इन शैंपू पर कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है वो ले लीजिए, नेट प्रॉफिट ले लीजिए। अच्छा, मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा बातें इसकी पेपर 6C में करेंगे, क्योंकि ज्यादा मतलब कराना शुरू करते तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, आपके एग्जाम का मुझे देखना है। अच्छा, हिंद लिवर यूनिलिवर को एक्सपोर्ट कर रही है शैंपू। शैंपू की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है बनाने की 1000 करोड़, सेल प्राइस है 1500 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 500 करोड़। अब ये मेथड कहता है कि क्या करिए, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज निकालिए, कितना नेट प्रॉफिट परसेंटेज आया। परसेंटेज किस टर्म्स में लेंगे आप? सेल, सेल
हम पेपर 60 में पढ़ेंगे, अगर मैं करता हूं 500 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, तो जो डिनोमिनेटर मैंने लिया है ये तो कंट्रोल्ड है, डिनोमिनेटर कंट्रोल्ड है बिकॉज सेल प्राइस रिग्ड है यहां पर। तो टीएनएम मेथड जब हम बहुत डिटेल में करेंगे, अभी क्या है मैं ये मेथड्स आपको जितना जरूरत है उतनी करा रहा हूं। टीएनएम मेथड है इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा इन पेपर 60। वहां कहते हैं बेस जो है बेस टेंटेड नहीं होनी चाहिए, टेंटेड मतलब कंट्रोल्ड। वहां कहते हैं वो फ्री बेस लीजिए, फ्री बेस क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ एसेट एम्प्लॉयड ले लीजिए, वो छोड़ दीजिए। उसकी पूरी कहानी है, एक पूरा लॉ है कि बेस क्या लेंगे, वो मैं आपको पेपर 60 में कराऊंगा। पेपर 60 हम 50% करते हैं इंस्टीट्यूट की बुक से, और इंस्टीट्यूट की बुक में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है पेपर 60 की कि बेस कैसे लेंगे आप। ठीक है, बेस लेंगे हम आइदर मतलब सेल ले लेंगे बिकॉज यहां सेल टेंटेड है मेरी, एसेट एम्प्लॉयड ले लीजिए, कॉस्ट ले लीजिए, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती है। कंसाइज करते हैं, हिंद लेवर यूनिलेवर को सेल कर रही है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एसेट एम्प्लॉयड, कॉस्ट, जो भी बेस्ट बेस लगे आपको। बेस्ट बेस कैसे चूज की जाती है वो हम करेंगे। उधर प्रॉक्टर गैम्बल भी शैंपू बनाती है और यह यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट करती है थर्ड पार्टीज को, एक्सपोर्ट करती है थर्ड पार्टीज को, यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। अब वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए किस बेसिस पर, जो सेम बेसिस आपने यहां पर लिए है, जो बेसिस यहां पर ली है तभी तो कंपेयर करेंगे आप। तो सपोज मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लेके बेस निकाला तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई, 50%। अब प्रॉक्टर गैम्बल जो शैंपू बेचती है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी सेम बेस में निकालिए, वो आता है 60%, यानी दिस इज द करेक्ट फिगर, एंड देयरफॉर अप्लाई दिस ऑन दिस कॉस्ट। कॉस्ट, हाँ, अब इनको दिक्कत आ रही है कॉस्ट पीएनजी की कैसे निकालेंगे, वो बताएंगे नहीं। एओ पीएनजी को प्रॉक्टर गैम्बल को समन करेगा, आ जाइए अपनी किताबें लेकर, टीपीओ भी समन करेगा, टीपीओ ट्रांसफर प्रोसेसिंग ऑफिसर को पावर दे दी कि वो प्रॉक्टर गैम्बल की प्रेमिसेस में जाके सर्वे कर सकता है, कॉस्ट पता कर सकता है। उनको 131 में समन देकर कॉस्ट पता कर सकता है। तो मैंने कहा देखिए टीपी में जितना टाइम लगा रहा हूं ना यहां पर, पेपर 60 में इतना टाइम और ऐड करूंगा, ये बेसिस हो गई, उसको आगे पॉलिश करेंगे। जैसे जस्ट के दिमाग पर क्वेश्चन आया कि कौन अपनी डिटेल शेयर करेगा, प्रैक्टिकली कौन डिटेल शेयर करता है, मैं भी अपनी कोई डिटेल शेयर नहीं करूंगा किसी से। तो गवर्नमेंट को मालूम है ऐसा होगा, इसलिए प्रॉक्टर गैम्बल को टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो एएलपी निकालता है उसको पावर दे दी कि उसका सर्वे भी कर सकते हैं, आप प्रेमिसेस में जाके चेक भी कर सकते हैं, उससे उसके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मंगा सकते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, देखिए ये 60% है, मेरा 50% है, तो क्या करेंगे आप, अब 60% बेसिस लेकर कॉस्ट पे लगा देंगे। और अगर जो आप कह रहे हैं जश्न कि कौन अपना शेयर करता है, अगर प्रॉक्टर गैम्बल के आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, वहां सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग होती है, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग होती है। शैंपू अगर उनके लिए मेन प्रोडक्ट है, वो एक अलग सेगमेंट बना होगा, उसकी सेल्स, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पब्लिश होती है न्यूज़पेपर्स में। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये लॉ ऑपरेशनल हो चुका है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी है, ये लॉ आज से 20 साल पहले 2001 में आ गया था और हम सब सीख गए हैं। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड बाय विच नेट प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय द एंटरप्राइज हिंदुस्तान लिवर इन माय एग्जांपल फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू विद एसोसिएट एंटरप्राइज यूनिलिवर इज कंप्यूटेड, और ये प्रॉफिट निकालेंगे इन रिलेशन टू कॉस्ट इनकर्ड, सेल्स इफेक्टेड, एसेट्स एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्राइज, यानी कोई बेस लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ऐसा ही नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे किसका, अनरिलेटेड एंटरप्राइज का जो सेम काम कर रही है प्रॉक्टर गैम्बल। द नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलाइज बाय द एंटरप्राइज और अनरिलेटेड एंटरप्राइज फ्रॉम कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द सेम बेस। अच्छा अब क्या होता है, प्रॉक्टर गैम्बल का नेट प्रॉफिट 60% निकाला गया, बट देखा गया कि प्रॉक्टर गैम्बल जो सेल्स करती है यूरोपियन कंट्रीज में, जो हायर सेगमेंट है, जो अपर रिच क्लास है, उनको सेल ज्यादा कर रही है, आयरलैंड में सेल कर रही है जहां पर कैपेसिटी ज्यादा है, लोगों की प्राइस ज्यादा चार्ज करती है, तो इस तरह के कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, उनका एडजस्टमेंट कर देंगे हम। द नेट प्रॉफिट मार्जिन जो आपने क्लॉज टू में निकाला प्रॉक्टर गैम्बल का, अराइजिंग इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन विच कुड मैटेरियली इफेक्ट द जीपी मार्जिन इन द ओपन मार्केट। और फिर जो आपने नेट प्रॉफिट एडजस्ट करके निकाला, उससे आप आर्म लेंथ प्राइस निकाल लीजिए। हिंद लिवर एक्सपोर्ट शैम्पूज टू यूनिलिवर यूके एंड एसोसिएट एंटरप्राइज, इट अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। मैंने सेल्स ले लिया है, बट पेपर 6C में करेक्ट करेंगे हम कि सेल्स को हम बेसिस नहीं ले सकते, ठीक है। द सेल्स आर 10,000 crores। अच्छा वहां पढ़ेंगे सेल्स को बेसिस ले सकते हैं कुछ केसेस में, तो हम मान रहे हैं ये कुछ वाले केसेस है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका, 1,000 crores, सेल्स है 10,000 crores, तो एनपी मार्जिन कितना हुआ सेल्स पे 10%। प्रॉक्टर गैम्बल इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग शैम्पूज टू अदर कंट्रीज एंड अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द सेल्स। प्रॉक्टर गैम्बल नेट प्रॉफिट इज हायर बाय 2% सिंस सेल्स आर टू यूरोपियन कंट्रीज वेयर 2% हायर मार्जिन होता है सेल्स पर, तो एडजस्टेड प्रॉफिट मार्जिन क्या ले लेंगे हम, 23%, उसे सेल्स पर लगा देंगे, इट कम्स टू 2,300 crores। सो 1,300 crores इज द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टीपी, ठीक। चलिए आप जो क्वेश्चंस करेंगे आप देखेंगे यही मेथड्स पूछे हुए हैं, इनफैक्ट पहले 3 मेथड्स ही पूछे हुए हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब हम बात कर रहे थे कि कप मेथड यूज किया, एक ट्रांजैक्शन हुई मेरी यूनिलिवर के साथ,
और इसी तरह के एक्सपोर्ट मैंने ए को किए यूके में, बी को किए कनाडा में, सी को किए ऑस्ट्रेलिया में, डी को किए नीदरलैंड्स में, ई को किए युगेंडा में, एफ को किए दुबई में, जी को किए मलेशिया में। अब मेरे मोर देन वन एएलपी निकल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? सेक्शन 92 सी में आइएगा। पेज 193 सब सेक्शन 2 पढ़िएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड referred in subsection 1 shall be applied for determination of arm length price in the manner as may be prescribed. Rules हमने पढ़ लिए किस तरह से LP निकलता है, provided that, पहला provision, where more than one price is determined, where more than one price is determined by the most approved method. Arm length price in relation to international transaction or specified domestic transaction shall be computed in the manner as may be prescribed. इसके लिए रूल्स आ गए, इसके लिए रूल्स आ गए। पेज 201 रूल 10 सी ए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अगर मोर देन वन एएलपी निकल रहा है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया नहीं, दिखा देता हूं, चलो कर ही लेते हैं आपकी याद। एग्जामिनर ने आपको थोरोली कंफ्यूज किया कि आप गलती कर दें किसी तरह से। उसने कहा एक प्राइस निकला मेरा कॉस्ट प्लस मेथड से और एक प्राइस निकला मेरा कप मेथड से। एक मिनट, एक मिनट। अगर मोर देन वन प्राइस निकलते हैं तो रूल 10 सी ए लगेगा। रूल 10 सी ए कहेगा कि अगर आपके जो एएलपी निकले 5 या उससे कम निकले फिर तो इनका आप अरिथमेटिकल मीन ले लीजिए। अगर लेस देन 6 प्राइसेस निकले हैं, सपोज एक प्राइस निकला 40, एक निकला 42, एक निकला 38, एक निकला 47, एक निकला 52, 5 प्राइस निकले मेरे, तो 5 प्राइस का क्या करिए आप, अरिथमेटिकल मीन ले लीजिए। ठीक, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया कि कॉस प्लस मेथड से ये प्राइस निकला, कप मेथड से ये प्राइस निकला, क्या करेंगे अब आप? स्टूडेंट ने उठा के एवरेज निकाल दी, क्या लिखेंगे आंसर? सिर्फ एक ही मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है। ये तो फैक्ट्स पे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड यूज होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अगर कॉस प्लस मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट है तो ये प्राइस लगेगा, यही आंसर होगा मेरा। अगर कप मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट है तो ये आंसर होगा मेरा। जबकि स्टूडेंट ने उठा के ब्लाइंडली डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेथड तो एक ही होगा मेरा। उस मेथड को अप्लाई करने से अगर मोर देन वन प्राइस निकलते हैं, अगर 5 प्राइजेस या उससे कम निकलते हैं तो अरिथमेटिकल मीन ले लीजिए।
अगर सिक्स और मोर प्राइजेस निकलते हैं, अगर बहुत सिंपल है प्लीज, सिक्स और मोर प्राइजेस निकलते हैं तो क्या करिए, एक डाटा सेट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, डाटा सेट, एक डाटा सेट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए इस तरह से, सीरियल नंबर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से सीरियल नंबर दे दीजिए, और जो प्राइजेस निकले हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दीजिए यहां पर, जैसे एक निकला 40, 42, 44, 47, 38 पहले आएगा 38 तो 50, 54 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, तो एक डेटा सेट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, प्राइजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो सब क्लॉज 6 क्लियर हो गया इस रूल का, सब क्लॉज 6 कब लगता है, लेस देन 6 प्राइजेस निकलते हैं, फिर तो अरिथमेटिकल मीन लेंगे प्राइसेस का, पेज 201, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन द एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड रेफर्ड इन सबसेक्शन 192 से रिजल्ट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोर देन वन प्राइज, हाउ मेनी प्राइजेस, सिक्स और मोर देन आर्म लेंथ प्राइज इन रिलेशन टू सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज पर दिस रूल। एक डेटा सेट बनाइए, एक डेटा सेट बनाइए बाय प्लेसिंग द प्राइजेस रेफर्ड इन सब रूल वन इन असेंडिंग ऑर्डर, और अब हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे इस डेटा सेट के बेसिस पर। छोड़िए, सीधे आइए पेज 203 पर, मेरे बड़े सारे प्राइजेस निकले, 20 प्राइजेस निकल गए, क्या करिए अब आप, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, अब इस डेटा सेट का हम सुनिए प्लीज 35th परसेंटाइल निकालेंगे, बहुत सिंपल, एक बार समझ लीजिए, बस 65th परसेंटाइल निकालेंगे, 35th परसेंटाइल क्या होता है, टोटल एंट्रीज इन डेटा इंटू 35%, कुछ नहीं है, मेरे डेटा सेट में 20 एंट्री थी, 20 का 35% कितना हुआ, 7। अगर ये फ्रैक्शनल नंबर आता, अगर ये फ्रैक्शनल नंबर आता तो क्या करते आप, नेक्स्ट हायर नंबर जो होल नंबर है उसे हम ले लेते, एंड द वैल्यू ऑफ डेटा प्लेस एट दिस होल नंबर विल बी द 35th परसेंटाइल। सो अगर जो मैंने नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू डेटा इनटू 35% किया, अगर ये राउंड नंबर आता है फिर तो बात अलग है, बट अगर फ्रैक्शनल नंबर आता तो क्या करेंगे आप, अगर सपोज आता 7.26, जो 8th एंट्री में डेटा है, डेट इज द 35th परसेंटाइल।
और अगर ये होल नंबर आता है फिर, जैसे हमारे केस में 7 आ गया, ना देन अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ द वैल्यू इन द डेटा एट दिस नंबर एंड द वैल्यू ऑफ डेटा सेट इन द नेक्स्ट हायर नंबर शैल बी द 35th परसेंटाइल। यानी जो 7th और 8th में एएलपी है उसका एवरेज निकाल लीजिए। कुछ नहीं है प्लीज, ये देखिए ना, मेरे डेटा सेट में 20 एंट्री हैं, तो इसका क्या निकालिए आप, 35% वो आ गया 7, होल नंबर है, तो 7 और 8 पे जो वैल्यू है इसका एवरेज लीजिए कितना हो गया, 107 प्लस 117 217 108.5। सपोज 21 एंट्री होती फिर क्या होता, 21 इंटू 35 कितना हुआ, करिए ना प्लीज, 7.35 पे क्या लेते हैं हम, जो 8th एंट्री में डाटा 110 को हम 35th ले लेते हैं। यस, अगर फ्रैक्शनल नंबर आता है तो नेक्स्ट हायर नंबर में जो नंबर है उसके डेटा पर वैल्यू वो ले लीजिए 35th परसेंटाइल, और अगर होल नंबर आ रहा है 7 तो 7 और 8 की एंट्री का एवरेज ले लीजिए, बिना पढ़े इस तरह 65th परसेंटाइल निकाल लीजिए, बिना पढ़े 65th परसेंटाइल कितना हुआ इसका, 65 × 2 13, तो 13 और 14 पे जो डेटा है इसका एवरेज लीजिए 118.50। सपोज 21 एंट्रीज होती, 13.65 आता, तो वैल्यू एट 14 ले लेते हम, डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करिए, पेज 201 डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करिए, प्राइजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। अगर डेटा सेट में 6 और मोर एंट्रीज हैं, लेस देन 6 है फिर अरिथमेटिकल एवरेज निकाल लेंगे। अगर डेटा सेट में 6 और मोर एंट्रीज हैं, आर्म लेंथ रेंज बिगिनिंग फ्रॉम 35th परसेंटाइल ऑफ द डेटा सेट एंड एंडिंग ऑन 65th परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एंड आर्म लेंथ प्राइस रूल 4-5 के हिसाब से निकालेंगे। यानी कि 35th परसेंटाइल निकाल लीजिए, 65th परसेंटाइल निकाल लीजिए, 35th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज इन डेटा इंटू 35%। अगर ये 7 आ रहा है तो 7 और 8 पे जो वैल्यू है उसका एवरेज ले लीजिए, अगर 7.14 आता 8 की वैल्यू का, 8 पे जो वैल्यू वो ले लेते 35th परसेंटाइल। इसी तरह 65th परसेंटाइल निकाल लीजिए, इफ द प्राइस एट विच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली बीन अंडरटेकन इज विद इन द रेंज। अगर जो आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो 35th परसेंटाइल से 65th परसेंटाइल के अंदर आ रहा है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस इज द ALP। लॉजिक मालूम है क्या है, ये इन्होंने ब्रिटेन से कॉपी किया है। ब्रिटेन में ये बड़ी दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने कहा क्या है, ज्यादा प्राइसेस आ रहे हैं तो क्या करिए, प्राइसेस को एक साथ लगा दिया, 1/3 पे आ जाइए, 2/3 पे आ जाइए, अगर इस रेंज में एक्चुअल प्राइस आ रहा है फिर तो सही है आपकी ट्रांजेक्शन।
So if the price at which international transaction is undertaken, domestic transaction is undertaken, is within the range of 35th percentile to 65th percentile, then actual transaction price is the ALP, yani koi adjustment nahi ki jayegi. सिंपल है, कुछ भी नहीं है प्लीज. और हाँ, ये 20 अलग अलग प्राइसेस निकले यूजिंग द कप मेथड और यूजिंग द सीबीडीटी 6 मेथड. कुछ भी हो सकता है. यहां मेरी 20 पार्टीज होंगी अनकंट्रोल्ड जिनको मैं सिमिलर सेल कर रहा हूं. अगर मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 35th परसेंटाइल 65th परसेंटाइल इस रेंज में फॉल कर रहा है, फिर तो वही हम एलपी मान लेंगे. और अगर फॉल नहीं कर रहा, इस डेटा का मीडियन निकाल लीजिए, बिना पढ़े बताएंगे आप 50%. इस डेटा का मीडियन निकाल लीजिए 50%. कैसे निकालेंगे 50% मीडियन? 20 एंट्रीज इंटू 50% कितना हुआ? 10. होल नंबर है तो क्या करेंगे? 10th 11 एंट्री का एवरेज ले लेंगे. अगर 10.12 आता देन 11th एंट्री. तो अगर रेंज में आता है फिर तो वही एएलपी ट्रांजैक्शन प्राइस, बट रेंज में नहीं आता था तो मीडियन इज द एएलपी. सिंपल. 5. इफ द प्राइस एट विच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हैज एक्चुअली बीन अंडरटेकिंग इज आउटसाइड द आर्म लेंथ रेंज. रेंज मतलब 35th परसेंटाइल टू 65th परसेंटाइल, देन आर्म लेंथ प्राइस विल बी टेकन एज मीडियन ऑफ द डाटा सेट. बट यहां पर भी 3% की रिलैक्सेशन लगेगी. यहां पर भी 3% की रिलैक्सेशन लगेगी. सिक्स में आपको करा चुका हूं. सिक्स क्या है? अगर डेटा सेट में 5 या कम एंट्री है तो अरिथमेटिकल मीन ले लीजिए. प्रोवाइडेड जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं वहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है ये प्रोवाइडेड सिर्फ सब रूल 6 के लिए है. स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोवाइडेड सिर्फ सब रूल 6 के लिए. नो, इट इज फॉर बोथ. जहां मीडियम ले रहे वहां पर भी, और जहां लेस देन 6 एंट्रीज है वहां पर भी. तो अगर जो एएलपी निकाला गया, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से वो थ्री परसेंट की वेरिएशन के अंदर आ रहा है, फिर तो हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही एएलपी लेंगे. मैंने बताया ना होलसेल क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको. मैंने इधर ले लिया वैसे. होलसेल ट्रेडिंग का मतलब होता है एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेडिंग इन गुड्स व्हिच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 80% और मोर ऑफ द टोटल कॉस्ट पर. छोड़ दीजिए, अभी नहीं कर पाएंगे, 60 में करेंगे इसे. ये डिटेल है बहुत. 35th परसेंटाइल एंट्रीज इन डेटा इंटू 35%. अगर वो फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, 7.12 आ रहा है, देन 8th एंट्री पे जो डेटा है दैट इज द एएलपी. और अगर ये 7 आ रहा है तो 7 और 8 वैल्यू पर जो वैल्यू आ रही है उनका एवरेज ले लीजिए. 65th परसेंटाइल डेटा एंट्रीज इंटू 65%. अगर ये आता है 13, तो 13 और 14 एंट्री का वो ले लीजिए एवरेज.
और 13.06 आता है देन 14th एंट्री ले लीजिए, इज दैट 65th परसेंटाइल। मीडियन क्या होता है? एंट्रीज इन डेटा इनटू 50%। अगर ये आ गया 10.12 11th ले लीजिए, अगर आ गया 10th 11th, ये है मेरा। यहां पर भी एग्जामिनर आपसे गलती करवा सकता है, मैं करवाता हूं भी आपसे गलती। ये लाइन छोड़ दीजिए, लेट मी टेल यू, ये जो मैं आपको रूल करवा रहा हूं ना, सिंपल फॉर्मूला करा रहा हूं। पेपर 6 ही में इसकी डिटेलिंग करेंगे, कुछ 2 ईयर्स का भी चक्कर होता है इसमें, जो हम नहीं कर रहे, आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए। एंट्रीज 20 है, 35 हो गया 7, तो 7-8 का एवरेज ले लीजिए, वो आ गया 108.50। 65th परसेंटाइल है 13-14 का एवरेज ले लीजिए, वो आ गया 118.50। अब मत देखिएगा, मेरा 35th परसेंटाइल कितना आ रहा है? 108.5। 65th परसेंटाइल क्या आ रहा है? 108.5। अगर मेरी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इसके बीच आ रही है, फिर तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। दैट इज माई एएलपी ओनली। मीडियन क्या है? 115। मैंने यूनिलीवर को एक्सपोर्ट किया है 120 पर, और ये बड़े सारे प्राइसेस आ गए। सेम क्वेश्चन रेंज में नहीं आ रहा। मीडियन लेंगे, इसलिए एएलपी 115 हो गई। बट क्या हो रहा है? एएलपी लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा इंडियन कंपनी का, इसलिए टीपी लगेगी नहीं। आपसे पूरा रूल भी पूछ लिया, आपको कंफ्यूज भी कर गया मैं। हाँ, अगर ये प्राइस होता 103, देन 105, फिर तो मेरा रेंज में नहीं आ रहा। मीडियन लेंगे एलपी 115 इज द एएलपी। 12 रुपए पर गुड्स की एडिशन हो जाएगी। इफ असेसी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू एसोसिएट एंटरप्राइज एट इन द रेंज ऑफ 108.5 टू 118.5, देन द प्राइस एट विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड विद द एएलपी, लेट्स से गुड्स आर एक्सपोर्टेड एट 109, फिर क्या होगा? एक मिनट रुकिए ना, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइसेस था एएलपी, रेंज में आ रहा है मेरी। बट अगर एएलपी गुड्स एक्सपोर्ट होती है 100 रुपीज के हिसाब से, देन रेंज में नहीं आ रहा। 115 ले लेते हम एज एएलपी। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, पांच प्राइस निकले, फिर अरिथमेटिकल मीन निकालेंगे 103.4, और हमने एक्सपोर्ट की है कितने पर, 100 पर, 3% में फॉल कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर 103.40 विल बी टेकन एज द एएलपी। नेट प्रॉफिट मेथड से मेरे 10 प्रॉफिट्स निकल गए। जैसे कि प्रॉक्टर गैम्बल वाला एक्सपोर्ट था, ऐसे और भी एक्सपोर्ट्स हैं बार, उसको भी सेम करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। 35th percentile, 65th percentile निकालेंगे, 35th percentile क्या हो गया मेरा, 7-8 की एंट्री का 47.5, 65th हो गया 13-14 का एवरेज, मीडियन हो गया 10th-11th का एवरेज, आमलेन प्राइस देयरफॉर इस प्रॉफिट रेट में आएगा आपका। अगर इतना प्रॉफिट दिखा रहे हैं फिर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, और अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल less than 47,500, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे फिर हम, मीडियन कितना है मेरा, ये है ना ये वाला और ये, इसको प्रॉफिट बेस मानकर दिस प्रॉफिट माइनस जो दिखाया आपने उतनी एडिशन कर देंगे। क्लियर है, टीपीआर रोक दे। जस्ट एक बार दोबारा बोलिए, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपली। जश्न कह रहा है कि अगर ये है तो असेसी को खुद एएलपी निकालना चाहिए इसके हिसाब से, और अगर एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपए पर तो खुद एडिशन करनी चाहिए, क्यों नहीं करेगा, आपने कहा खुद एडिशन करनी चाहिए ना, तो लॉ ने ये बात लिख दी आगे जाकर कि आपको खुद एडिशन कर देनी चाहिए। अगर एएलपी निकाल रहे हैं आप यूजिंग दिस मेथड्स और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 100 आ रहा है और एएलपी 115 आ रहा है, तो खुद एडिशन करिए आप। हमने मिस रिपोर्टिंग की बात नहीं की अभी, प्लीज, मैं जानबूझ के पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग मुझे मालूम है आप भूल चुके होंगे, मैंने इस मॉड्यूल में दोबारा कॉपी की हुई है, स्टेप बाय स्टेप चलते। मेरा आज का एम था मेथड्स कराना। टीपीआर रोकते हैं। चलिए आज हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि एक जजमेंट जो मैंने कराया नहीं आप कर सकते हैं। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसके लिए जो पेमेंट करेंगे उसे रॉयल्टी मानेंगे। तो सेक्शन 9 में अमेंडमेंट आ गई जो मैंने कराई थी आपको, कि रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा एनी पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
अब एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है, पेज 54A पर है आपका। आपने डीटीए में पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट डीटीए जो भी मोर बेनिफिशियल है वो अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डीटीए में रॉयल्टी की डेफिनेशन है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पेमेंट नहीं आती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी डीटीए आपके उसमें जो रॉयल्टी की डेफिनेशन है उसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करेंगे वो नहीं आती है, एंड देयरफॉर एज पर सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स एक्ट और डीटीए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल अप्लाई। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंपनी को, नॉन रेसिडेंट को, किस लिए? फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और डीटीए है हमारा उस कंट्री के साथ, इन दैट केस उसे हम रॉयल्टी नहीं मानेंगे, एज सच उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, पेज 54A, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सलेंस प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट, वुड अमाउंट्स पेड बाय रेजिडेंट इंडियन एंड यूजर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स टू नॉन रेजिडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स एज कंसिडरेशन फॉर यूज और रीसेल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इफ यस इज इट लायबल टू टैक्स डिडक्शन अंडर 195। अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट एज पर डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 916 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर इंटर एलिया द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट लिटररी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क एज पर एक्सप्लेनेशन फोर देयर टू सच ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट टू यूज और राइट टू यूज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ द लाइसेंस। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करने के लिए पैसा मिलता है उसे रॉयल्टी मानते हैं, ये सिर्फ कहां लिखा है? सेक्शन 9 में लिखा है। नाउ एज पर द मीनिंग असाइन इन द डीटीए विद सिंगापुर, फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी मीन्स पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ अ लिटररी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क। जो मीनिंग ऑफ रॉयल्टी है इन इंडिया डीटीए विद अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फ्रांस, इटली, यूएस, नीदरलैंड, स्वीडन वगैरह वगैरह इज सिमिलर। द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज ऑफ केसेस इन विच डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स एंड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट्स डिड नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट और राइट टू सच डिस्ट्रीब्यूटर्स और एंड यूजर्स। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद रहा है तो उसे राइट नहीं मिल जाता कि वो सॉफ्टवेयर बना सके। इसी तरह एंड यूजर खरीद रहा है उसे राइट नहीं मिल जाता कि उस सॉफ्टवेयर को बना के बेच सके। डिड नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट और राइट टू सच डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स विच वुड अमाउंट टू यूज और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट। The Apex Court observed that following four categories of cases in which distribution agreements and end-user agreements did not create an interest or right to such distributors or end-users which would amount to use or right to use any copyright, any where computer software is purchased directly by end-user resident in India
from a foreign non-resident supplier or manufacturer, where resident Indian companies acting as distributors, resellers, purchase computer software from foreign non-resident suppliers or manufacturers and then resell to the Indian residents. Where the distributor happens to be a foreign non-resident vendor who, after purchasing the software from foreign non-resident seller, resells the same to Indian resident distributors. Where computer software is affixed into the hardware and is sold as an integrated unit equipment by foreign non-resident suppliers to resident distributors. In all the above cases, the apex court held that the amount paid by resident Indian end users and distributors to non-resident computer software manufacturer suppliers as consideration for resale or use of computer software through end user license agreement or distribution agreement is not royalty for the use of copyright in computer software as per the DTA. The provisions contained in Income Tax Act, namely 916, along with Explanation 2 and 4, which deals with royalty not being more beneficial to the SSE, any DTA more beneficial, have no application to the fact of these cases. Consequently, the consideration paid to the non-resident computer software manufacturer suppliers would not be chargeable to tax in India. Hence, no TDS is required to be deducted. So, as per Section 90 DTA, the provisions of the Income Tax Act 1961 will apply only to the extent they are more beneficial to the SSE in case where India has entered DTA with other country. In this case, since the provisions under DTA are more beneficial, the taxability of payment would be determined as per the meaning of royalty assigned in DTA and hence not taxable. So, dekhiye, agar aap software purchase karte hain from non-resident, तो उस कंट्री जिससे आपने जहां नॉन रेजिडेंट बेस है उससे डीटी अगर है आपका तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो पेमेंट करेंगे वो टैक्सेबल नहीं होगी एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो आज के लिए इतना काफी है. विल स्टॉप हियर.